मुझे तो कॉलेज में तो यार पता ही नहीं था कि ट्रेडिंग कोई चीज है आप in उस कंपनी की फाइनेंशियल हिस्ट्री देखते हो बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैश फ्लो स्टेटमेंट रेशोस निकालते हो शुरू से ही ना आई एम अगेंस्ट हैपन टू एनी बिगनर

आपका एक टिपिकल दिन कैसे जाता है आज के दिन से शुरुआत करते हैं तो आज तो मार्केट्स बंद थी तो आई कुड स्लीप अ लिटल लेट और उसके बाद मैं जनरली आई प्लेस नुकर तो थोड़ा सा अभी आएंगे उस पर बट टी आई सी जैसे चलता है हमारा तो उसमें ना कोई वीकेंड का कंसेप्ट नहीं है अच्छा उसमें ऐसा नहीं है कि आज हम कि हम मंडे को पढ़ाएंगे ट्यूसडे पढ़ाएंगे इट्स लाइक बाई से डेज अ वीक चलता है तो थोड़ा वो देखा पूरे हफ्ते क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं और आ, किसी की क्वेरी क्वेरिया आंसर तो नहीं रह गई कुछ एक्स्ट्रा मुझे कहना है क्योंकि कई बार आइडियाज़ जो है ना ज़्यादा मुझे वो ऑफ डेज पे आते हैं एक्चुअली आते नहाते हुए हैं बट ऑफ डेज पे ज़्यादा आते हैं अच्छा तो, तो वो शेयर किए फिर आई वेंट टू तो माय डॉटर्स पीटीएम फिर मैं स्नूकर खेलने चला गया अब मैं आपके साथ बैठा बैठाऊँ ये तो आज का दिन है वैसे टिपिकल डे आई आई स्लीप लेट इनफैक्ट वेरी लेट अब मुझे पता है इस पर लोग कमेंट्स करके ज्ञान देंगे हाँ। कि अच्छा नहीं होता ऐसा नहीं होता <laughs> मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि हम ड्राइव टाइम करते हैं हाँ। तो आई डू अलॉट ऑफ ड्राइव टाइम एंड उसमें कमेंट्स में ये अक्सर होता है कि गाड़ी चलाते हुए सर मत का करो फिर मैं उनको ना वो वाले वीडियोज भेजता हूँ प्रोफेशनल कि देखो ये इट्स अ फॉर्मेट तो आई स्लीप लेट अराउंड थ्री ओ क्लाक और ये आज से नहीं है ये हमेशा से है मतलब एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर कॉलेज डेज से आई एम स्लीपिंग लेट तो आई वेक अप अराउंड नाइन समाइम्स इवन नाइन थर्टी मार्केट स्टार्ट एट नाइन फिफ्टीन बट मैं जनरली कुछ कैरी नहीं करता कैरी uh, नहीं करता का मतलब ये है कि मैं मोस्टली आई एम अ डे ट्रेडर तो मैं रोज़ के दिन में ही रोज का दुकान बंद करके जाता हूँ अच्छा तो उतना अर्जेंसी नहीं होती कि यार सुबह जल्दी उठना है देखना हुँ. है वर्ल्ड मार्केट से नाउल उतनी नहीं होती कभी कभी होती है तो फिर अलार्म लगाते हैं तो नाइन फिफ्टीन टू थ्री थर्टी तो कुछ है ही नहीं और दुनिया में इट्स मार्केट्स मी एंड टी आई सी क्योंकि आई डूल ऑफ लाइव कमेंट्री ऑल्सो लाइव कमेंट्री मतलब कि यार मार्केट अभी <clears throat> ऐसी चल रही है ऐसा लग रहा है लोग भी शेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स अब क्या जो पुराने बैच है ना वो ऐसी स्टेज तक आ गए हैं जहाँ पर दे हैव बिकम लेस ऑफ स्टूडेंट्स एंड मॉर ऑफ मॉर ऑफ फ्रेंड्स नॉट इन टर्म्स ऑफ की रिस्पेक्ट वहीं की वहीं है बट इट्स लाइक कि नाउ ना डाउनलोड उतना मेरा नहीं है इट्स लाइक शेयरिंग नाउ तो ऐसा नहीं कि मुझे ही बोलते रहना है तो लोग चार्ट्स डालते हैं मेरा कुछ कमेंट है उस पर तो साढ़े तीन तो ऐसे ही बच जाते हैं देन टू अनवाइंड आई गो फॉर अ गेम ऑसनूकर फिर वापस घर जाते जाते इट्स अराउंड सेवन ओ फिर रात को <coughs> मेरा एक्चुअली दिन शुरू होता है फिर रात को ग्यारह बजे देन आई अप थिंग्स टू रीड जो मैं पढ़ रहा हूँ <coughs> कोई ऑडियो करना है टी के लिए कोई वीडियो बनाना है uh, क्वेरीज सारे दिन की क्या है आंसर करनी है तो माई लाइफ रिवॉल्व अराउंड यू नो ट्रेडिंग एंड टीचिंग करेक्ट करेक्ट ये है तो आपके लाइफ के दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं ट्रेडिंग एंड टीचिंग हम दोनों को ही ब्रेक डाउन करना चाहेंगे इस पॉडकास्ट में बट स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग से चूंकि sure. ट्रेडिंग से ही टीचिंग आई uh, ये मेरे को पता है तो ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट हुई आपकी लाइफ में क्या आप <coughs> कॉलेज ग्रेजुएट करने के बाद ट्रेडिंग स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया था या कैसे था ये Uh, मुझे नहीं पता कि ये डिसएडवांटेज है hmm. या एडवांटेज है जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि वेरी यंग किड्स दे नो अबाउट मार्केट्स दे नो अबाउट ट्रेडिंग ये जो चलन शुरू हुआ ना ये शुरू हुआ क्रिप्टो से hmm. मुझे तो कॉलेज में तो यार पता ही नहीं था कि ट्रेडिंग कोई चीज है ठीक है कॉलेज में मुझे नहीं पता था कि ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट थियोरेटिकल आइडिया था क्योंकि एमबीए कर रहे थे hmm. तो फाइनेंस की क्लास में ये आइडिया था बट इट्स अ प्रोफेशन कभी सोचा नहीं उस डायरेक्शन में या yeah, मैं तो अच्छा। <laughs> तो आई टू बी म्यूजिशियन अच्छा कभी सोचा नहीं उस डायरेक्शन में कॉलेज uh, खत्म हुआ फिर uh, वो सब भी ना बड़ा अनप्लैंड था मतलब आई एम नॉट अ किड हु थॉट आई हुई इंजीनियर और अ डॉक्टर ट्रेडर तो छोड़ ही दो वो तो टर्म ही नहीं है मैंने कुछ प्लान नहीं किया मेरी लाइफ में सब कुछ आप समझ लो कि एक ना हैप्पी और सैड वॉट इंसिडेंट्स हुए हुँ. इट्स लाइक वॉट यू सेरेंडिपिटी राइट करेक्ट वन थिंग लीड्स टू अनदर एंड तो कॉलेज हुआ एम बी ए भी कर कोई ख्वाब नहीं था करने नहीं थी hmm. कि आ, पहले बी सी ए कर लिया बी सी ए में समझ आया कि यार कोडिंग तो नहीं हो सकती तो अब कोडिंग नहीं हो सकती तो एम सी ए तो आउट ऑफ क्वेश्चन फिर एवरीबडी वॉज डूइंग एम बी एवरीबडी मतलब मेरे दोस्त वगैरह तो एम बी ए कर लिया एम बी ए करके प्लेसमेंट uh, हुई एंड ऑल तो आई गॉट इन टू अ जॉब मुझे ना ये क्लियर था शुरू से कि दिव्यांश की मुझे कुछ अपना बिजनेस करना है ये क्लैरिटी तो शायद सबकॉन्शियसली ना बचपन से थी क्योंकि मैं मम्मी को देख रहा था राइट तो शिरन से स्कूल एज यू नो मुझे इसमें ये दिखता था कि अच्छा फिर कुछ अपना ना अपना एटीट्यूड भी होता है तो मुझे ये पता था कि यार मैं इतना तो ना सबमिसिव इंसान हूँ नहीं hmm. कि जो कोई कहे तो उठे कोई कहे तो बैठो इसलिए मैंने ये चूज़ किया दैट आई स्टार्ट माई जॉब इन अ लिटल इन नॉट सो नॉट अ बिग कॉरपोरेट क्योंकि ना मैं the, कि आप यार आप, आप बड़ी मछली बड़ी बड़े समुद्र में एक छोटी मछली बनेंगे या एक छोटी नदी में मगरमच्छ बनना चाहते हैं दिस इज अ डिसीजन राइट ये भी मुझे ख्याल ना पहले ही मम्मी को देख के आ गया था कि आज मम्मी एक स्कूल चलाती हैं इट्स नॉट एन इंटरनेशनल स्कूल राइट इट्स अ लोकल स्कूल विथ सिक्स सेवन हंड्रेड किड्स तीस पैंतीस चालीस टीचर्स हैं तो so, मैं सोचता था कि अगर इनको अपॉर्चुनिटी मिलती या मिले वुड शी लाइक टू बी अ टीचर मीन्स एन एम्प्लॉई इन अ बिग ह्यूज स्कूल यू नो और वुड शी लाइक टू बी अ प्रिंसिपल इन द स्मॉल स्कूल आंसर इज ऑब्वियस है ना करेक्ट तो ये क्लियर था कि छोटी hmm. uh, नदी के मगरमच्छ बनने में कोई बुराई नहीं है देन एटलीस्ट यू कैन वर्क ऑन उस नदी को बड़ा करके समुद्र बना सकते हो आप है ना मगर बड़ी बड़े समुद्र में तो वो यू नो बिगर फिश फिश इट्स स्मॉलर फिश तो आई स्टार्टेड विद अ कंपनी और छोटी छोटी कहो मीडियम साइज को बट इट्स नॉट अ कारपोरेट राइट एंड माई जॉब स्टार्टेड एज एज अ सेल्स गाय ओके तब तक भी स्टॉक मार्केट का आइडिया नहीं था सेल्स में मुझे अच्छी तरह याद है अभी कि आई वॉज गिवन अ प्रोडक्ट कॉल्ड अ लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर तो दीज आर बिग प्रिंटर्स जिसपे आर्किटेक्ट्स लोग अपने ब्लू प्रिंट्स बनाते हैं ग्राफिक्स uh, प्रिंट होते हैं साइन बोर्ड्स वगैरह अब तो खैर सब कुछ डिजिटल हो गया तो आई यूज़ टू सेल दो प्लॉटर्स राइट तो करियर की स्टार्ट ऐसे होती है कि कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं आई हैड अ बाइक इन दोज डेज तो ड्राइविंग हंड्रेड हंड्रेड फिफ्टी किलोमीटर्स अ डे वॉज वेरी नॉर्मल एंड आई वॉज जस्ट फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज अब ना एक एटीट्यूड चेंज आया लाइफ में कि जब तक मैं कॉलेज में था मेरी पॉकेट मनी जो थी अब वो बंद हो गई क्योंकि जॉब आ गई अब जो सैलरी है वो उस पॉकेट मनी से कम है पॉकेट मनी <laughs> के लिए काम नहीं करना पड़ता था अब तो है ना तो आई वाज वर्किंग हार्ड इस टाइम पर ना फ्रस्ट्रेशन सेट इन होने लगी थी आई विल नॉट से कि नहीं नहीं यार बड़ा अच्छा नहीं लग रहा था अच्छा क्योंकि कोई अगेन यू नो डिसएडवांटेज ऑफ नॉट वर्किंग इन अ कॉरपोरेट व्हेन यू वर्क इन अ कॉरपोरेट यू हैव अ सिस्टम टू प्ले आप एक सिस्टम में बने बनाई प्रोसेस में एक पार्ट बनते हैं यू हैव अ जॉब डिस्क्रिप्शन राइट आई डिडेंट अ जॉब डिस्क्रिप्शन इट वॉज लाइक प्लॉटर्स सेल आई आस्ट वेयर आई वास्ट टोल्ड एनी बेचना है बेचना है तो मैं शुरू से शुरू कर रहा हूँ मैं एक एक करके नोएडा के गुड़गांव के फरीदाबाद के इंडस्ट्रियल एरियाज देख रहा हूँ वहां जा रहा हूं तो यू अंडरस्टैंड राइट आप सौ जगह जाते हो दो जगह तो घुसने देते हैं ये सब किया लाइफ में hmm. अब एक ना अगेन कोई आई एम नॉट अ सुपर हीरो राइट क्विटिंग का थॉट भी आता है आपको लगता है कि नहीं यार वो बड़ा ठीक है क्योंकि वो ऑप्शन है मेरे पास आई एम एन एम ऑप्शन है मेरे पास मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स वर इन काइंड ऑफ दोटअप्स यू नो दे वर स्टार्टिंग देयर करियर देयर बट आई हैड अ डिजायर टू बी माई ओन बॉस समडे डिडेंट सो इट से आप देखते हो सब कुछ आप ही करते हो करेक्ट मुझे ना अपॉर्चुनिटी क्या मिली टू पुटेड इन वन लाइन की uh, एक कंपनी के अंदर यू you नो know, एक कंपनी के अंदर आंट्रप्रोर बनने का मौका मिला जिसे लोग इंटरप्रनोर कहते हैं राइट right? अब क्योंकि आप ही बेच के आ रहे हो फिर आप ही खरीदने के लिए भी नेगोशिएट करते हो हर प्रोसेस में आप इन्वॉल्व हो ऐसा नहीं है कि अब आपने परचेज डिपार्टमेंट को दे दिया अब आपका काम खत्म है ऐसा तो है नहीं डिलीवरी में भी आप इन्वॉल्व हो पेमेंट कलेक्शन में भी आप इन्वॉल्व हो न्यू बिजनेस रिपेयर मेंटेनेंस हर चीज में आप इन्वॉल्व हो ये करते करते ना बिजनेस समझ आने लगा बिजनेस कि पूरा चक्का कैसे घूमता है एट दी एंड बिजनेस या कोई भी धंधा इफ यू डोंट मेक इट फैंसी यू नो ट विथ जारगंस अल्टीमेटली क्या है यार अल्टीमेटली यू ब्रिंग इन सम मनी राइट यू हैव अ मशीनरी इन प्लेस दैट मशीनरी कैन बी प्रोसेसिंग ऑफ यू नो बाइंग सेलिंग वॉट एवर एंड यू टेक एन आउटपुट करेक्ट तो वो जो मशीनरी है ना बीच की वो नजर आने लगी क्योंकि अब समझदार तो थे ही ना hmm. अब और आइडियाज आने लगे और एक मैं आपको बात बताऊं एक ना बड़ा आई थिंक कोर्ट है इट्स आई डोंट नो किसका कोर्ट है देर इज वेरी लेस कॉम्पिटिशन इन हार्ड वर्क जब आप ज्यादा काम करते हो कॉम्पिटिशन नहीं है एक्चुअली राइट तो वहां पर जब मैं मैंने ज्वाइन किया देर वर सेवन एट पीपल इन सेल्स हर कोई मुझसे पुराना था मुझसे सीनियर था तो दे वर ट्राइंग टू बॉस मी अराउंड यू नो बट ये सिर्फ कुछ महीनों की बात थी क्योंकि आई वॉज वर्किंग मोर देन देम देर पुराना तो दे हैड एन एटीट्यूड कि यार इतने पैसे मिलते हैं hmm. इसमें इतना काम होगा hmm. ये मैं तो मुझे तो प्रूव करना है अभी अपने आप को किसी और को नहीं अपने आप को ही मैं रात को आठ बजे भी बैठा हुआ नौ बजे भी ऑफिस बैठा हुआ डेटा निकाल रहा हूं कल कहां जाऊँगा परसों कहां जाऊंगा यू you नो know? सोच रहा हूँ यारे में मैं, मैं ना कोल्ड कॉल वाली मेल ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दू वो लोग क्या सोच रहे हैं अरे ये सब तो हम कर चुके हैं यू नो इट्स दैट बायस अब जब आप ऐसा करोगे तो आप ब्रास की नजर में तो ही जाओगे hmm. तो वो आने लग गया था मुझे मुझे बॉल मिलेगी बैट बट ना मुझे लगता है इवन इफ यू आर लेट से बिग बिजनेस मैन सन राइट मेरे पास तो ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था माई फादर वॉज इन जॉब आइडिया इज ओ ओके दैट यू नो यू लेट यूर किड वर्क इन समर्गेनाइजेशन इवन अदर देन यूर्स क्योंकि वहां पर घवेंट नहीं होगा ना एंड लेट हिम गो थ्रू ऑल द फेजेज ऑफ अ बिजनेस साइकिल कहाँ अटकते हैं कहाँ क्या होता है क्योंकि यार आप बहुत अच्छा बेच लेते हो राइट right? hmm. आप पैसा नहीं निकाल पाते आप बहुत अच्छा बेच लेते हो आप बहुत hmm. अच्छा खरीद नहीं पाते hmm. एक बड़ी कंपनी में आप वो सीख ही नहीं पाओगे क्योंकि वो काम किसी और का होगा बट जब आप अपना बिजनेस शुरू कर मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल यू वर्क इन आई बी ठीक है यू वर्क इन डेल मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आई वॉज सेलिंग प्रिंटर्स तो आई वॉज एन आई टी गाय अब आप डेल में काम करते हो मे बी यू आर अ सीनियर गाय मिड लेवल मैनेजर अब आप वहां जॉब छोड़ते हो एंड यू वॉन्ट टू स्टार्ट ऑन देर ऑन यूर ओन क्या आप डेल को और करोगे अब नहीं कर पाओगे ना आप डेल थोड़ी खोल लोगे खोलोगे hmm. अल्टीमेट खोलोगे क्या एक दुकान 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 से मेरा मतलब रिटेल नहीं है दुकान से मेरा मतलब छोटा बिजनेस है आपने तो वो देखा ही नहीं अब आपको कॉफी मशीन भी चाहिए होगी यू नो क्योंकि वो बड़ी कंपनी तो प्रोवाइड कर रही थी आपको ब्रेक्स भी चाहिए बट ऐसा फिर तो बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया तो मैंने वो देखा ही नहीं मैंने वो लाइफ देखी नहीं कि यार जहां पर यू नो यू हैव अ कॉफी मशीन जहां पर मैंने तो ये देखा है कि सुबह आना है और अगर दस बज गए हैं तो बॉसविल से अभी तक क्यों बैठे हो मैंने ये देखा है तो hmm. वो शुरू करके देन अब क्या होता है कि एक एक कहावत है ना जो बोले कुंडी खोले hmm. तो सिंस आई वाज वर्किंग हार्ड सिंस आई वाज परफॉर्मिंग तो आई वाज गेटिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो नेचुरल है राइट एंड इनिशियली यू डोंट गेट पेड वेल फॉर दैट इट्स लाइक यू शुड बी ग्रेटफुल दैट यू आर बींग गिवन द अपॉर्चुनिटी करेक्ट और मैंने ना उन दिनों में एक अच्छा मैं क्योंकि करना तो कुछ चाहता था तो मैं रात को घर जाके आई यूज टू रोम अराउंड द इंटरनेट ऑन दीज थिंग्स ओनली यू नो बिजनेस कैसे करते हैं ज्यादा सेल्स कैसे करें यू गेटिंग मा पॉइंट मैं बिल्कुल रिलेट कर पा रहा हूं तो हां तो जब आप इसमें घुस जाते हो ना दैट बिकम्स यूर यूनिवर्स राइट अब तो एक कोर्ट आया मेरे सामने हाँ। वो कोर्ट ये था कि इफ यू वर्क मोर देन यू आर पेड फॉर इयर्स राइट इवेंचुअली यू गेट पेड मोर देन यू वर्क तो मुझे ना हमेशा से बहुत लोगों ने डिमोटिवेट किया कि यार इतना काम करने की क्या नीड है यू hmm. नो you know, इतना तो पैसे भी नहीं मिलते हैं कोई तेरे से शेयर थोड़ी करेंगे प्रॉफिट को ऑल दो थिंग्स मतलब ही नहीं इस बात से ये करते करते देन यू नो कोई और अपॉर्चुनिटी कोई और बिजनेस वर्टिकल इवेंट मैनेजमेंट की एक अपॉर्चुनिटी आई वो भी किया देन उसके बाद एक एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी आई यू नो आई गॉट समबडी आस्ट की दे वॉन्टेड समर्सनल इन साउथ ईस्ट एशिया मैं तो आई टी गई हूं राइट बट सेल्स में मैंने क्या सीखा है में मैंने सीखा है कि कस्टमर को जो चाहिए वो हम कर सकते हैं समझ गए ना इट्स लाइक जर्नलिस्ट वर्सेज एक स्पेसिफिक करेंट चीज स्पेशलिस्ट ऑन्टरप्रनोर्स आर मोस्टली जर्नलिस्ट स्पेशलिस्ट आर हायर्ड टू

बट वेन यू बिकम एन आंतरपिन्योर यू हैव टू बिकम जर्नलिस्ट क्योंकि अब एच भी आपको देखना है ना अब आपको फाइनेंस भी देखना है तो सीखना तो पड़ेगा ही ना सब सीखना पड़ेगा तो सिंस आई वॉज अ जर्नलिस्ट सम बड़ी आसमी की पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स आप कर लोगे तो आंसर इज हाँ कर लेंगे क्योंकि क्या करना है आपको पीछे जाना है चीज़ें ढूंढनी है रिसर्च करनी है पढ़ना है पढ़ने में तो अच्छे है ही हैं तो आई फाउंड मैनी ब्रांड्स मैनी कंपनीज सैम्पलिंग अब एक्सपोर्ट तो आता ही नहीं है है ना नेचुरली नहीं आता है तो बॉट कपल ऑफ बुक्स ऑन एक्सपोर्ट्स ये सारी टर्म्स एफ क्या होता है सी क्या होता है यू नो शिपिंग कैसे होती है कस्टम uh, क्लियरेंस कैसे होते हैं आई यूज टू गो टू दादरी में देर इज आई सी डी इन लैंड कंटेनर डिपो तो आई यूज टू गो देर सी द वर्किंग्स देर वहाँ एजेंट ने घुमाया कि कैसे कैसे क्या क्या तो बड़ा कुछ पता लगा यार है ना कि आई से बाहर भी अब एक दुनिया है देर केम अ टाइम वेन आई वॉज डूइंग आई आई वॉज सेलिंग प्रिंटर्स वन आई वॉज सेलिंग माउथ फ्रेशनर्स एट द सेम टाइम आई वॉज सेलिंग ऑर्थोटिक प्रोडक्ट्स ऑर्थोटिक होते हैं जैसे नेक कॉलर होता है नी कैप्स होती है सो ऑर्थोपैटिक सपोर्ट्स आई वॉज डूंग परफ्यूम्स आई वॉज डूइंग स्पाइसिस कैंडीजी मार्केट प्लेस सेल्सन फॉर एवरीथिंग आपने पल्स कैंडी का नाम सुनाड पल्स अच्छा इट वॉज जस्ट लॉन्च तो आई सोल्ड टू साउथ ईस्ट एशिया कहने का मतलब कि कुछ भी कर सकते हैं ऑल यू नीड इज रिसर्च ऑल यू नीड इज यू नो द होल प्रोसेस ऑफ बिजनेस अगेन पल्स कैंडी बेचने में और सर्वर बेचने में क्या फर्क है ठीक है दोनों आगा में सप्लाई चेन अंडरस्टैंडिंग चाहिए हाँ। कहां से खरीदेंगे किसको बेचेंगे आईटी में थोड़ा सा कंसल्टेंसी आ जाती है कि आपको कस्टमर को ज्ञान भी देना पड़ता है राइट प्रोडक्ट एंड ऑल यहां पर ऐसा नहीं है यहाँ कस्टमर इज अवेयर सैंपलिंग करनी पड़ती है यहाँ प्राइज इज द मेन मेन थिंग वहां प्राइज इज ऑल्सो द मेन थिंग बट टेक्निकल आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट बट मेरा पॉइंट ये है कि आप इस लिमिटेशन से बाहर निकल जाओ ना कि यार मुझे तो ये आता है मेरा तो ये काम है मैंने ये स्टेटमेंट कभी नहीं दी लाइफ में कि मेरा तो ये काम है आई थिंक इसी वजह से कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी किया है ऐसे भटकते भटकते भी कोई आइडिया नहीं था hmm. कि स्टॉक मार्केट फिर ये आइडिया आया से ये आइडिया आया एक्चुअली एक बुक से द बुक वॉज बायोग्राफी उसमें ये समझ आया कि जो मैं अब तक कह रहा था ना आपको कि यू ब्रिंग इन द मनी यू ब्रिंग इन पीपल देन यू हैव अ बॉक्स प्रोसेसिंग बॉक्स एंड देन यू हैव द आउटपुट आउटपुट उस प्रोसेसिंग बॉक्स में मेरे दिमाग में अब तक क्या था कि आई यू डू प्रोडक्ट और यू डू सर्विसेस मुझे वो बायोग्राफी पढ़ के समझ आया कि उस बॉक्स में भी मनी है इंटरेस्टिंग गॉट माइ पॉइंट कि यार द गाय इज पुटिंग मनी इन सम आइडिया ही इज नॉट रनिंग इट ही इज नॉट सेलिंग एनी प्रोडक्ट ही इज नॉट सेलिंग एनी सर्विस एंड ही इज मेकिंग मनी आउट ऑफ दैट टू मीन्स मनी इज मेकिंग मनी एंड द इनपुट इज मनी द आउटपुट इज मनी द प्रोसेसिंग इज मनी मे बी द प्रोसेसिंग इज नॉलेज बट या दैट्स अ डिफरेंट थिंग बट देर इज नथिंग टू डू इन बिटवीन करेक्ट ये मुझे अपील किया अपील क्यों किया अपील किया क्योंकि अगेन बचपन से जो पूरा आउटलुक है ना यार आउटगोइंग नहीं है आई एम एन इंट्रोवर्ट अब यार पता है क्या लोग देखेंगे वीडियो बोलेंगे इतना बोल रहे हैं <laughs> इतना बोल रहा है और इंट्रोवर्ट बट मुझे मैं ये कहना चाहता हूं इंट्रोवर्ट का मतलब साइलेंट थोड़ी होता है इंट्रोवर्ट का मतलब नर्वस थोड़ी होता है इंट्रोवर्ट का मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस थोड़ी है इंट्रोवर्ट इज अ लाइकिंग राइट आई लाइक इट वेन आई एम अलोन ई लव इट वेन आई मोन इसलिए रात को देर तक जागना जो है ना दिस एक्सपीरियंस तो इवन कॉलेज टाइम से स्कूल टाइम तक तो क्या है माँ बाप का प्रेशर होता है जल्दी सोना जल्दी सोनाज टाइम में यू ब्रेक आउट एंड आईड पर तो आई यूज टू स्टडी अबाउट म्यूजिक आप अगर मुझसे पूछोगे ना कि मेरा इंटरेस्ट क्या है टाइम आई स्टार्ट जिमिंग ठीक है एंड आई वेंट सो डीप एन एट आई वॉज रीडिंग बुक्स ऑन एन एटमी आई वॉज उस टाइम पर रील्स तो नहीं थी YouTube types, नहीं था कुछ सिचुएशन रीडिंग बुक्स मैं घुस गया फास्ट विच मसल फाइबर्स स्लो ट विच मसल फाइबर्स समझ लो आप मतलब जिसमें घुसना है मुझे तब भी यह समझ आ रहा था आ रहा था कि तब मुझे लग रहा था मेरी लाइफ का पैशन जो है ना बॉडी बिल्डिंग है अब वो तो कुछ साल हुआ फिर वो छूट गया म्यूजिक केम अलॉन्ग अब मैं म्यूजिक रिसर्चर बन गया हूँ तो आई वॉज प्लेइंग पियानो आई वॉज प्लेइंग तबला आई वॉज प्लेइंग गिटार ऑल मोस्टली सेल्फ टॉट सेल्फ टॉट भी क्यों क्योंकि रीडिंग है अंडरस्टैंडिंग है एक्सपेरिमेंट्स हैं मैं नोट लिख रहा हूं देन आई एम वर्किंग अराउंड म्यूजिक थियोरी है यू you नो know? ये ऐसे जिसने बनाई होगी उसने ऐसे क्यों सोचा होगा ट्राइंग टू रीच दशंस माई सेल्फ रादर देन टेकिंग दैट दिस इज एन इन्वेंशन उसके बाद ना मुझे समझ आ गया फिर बिजनेस आ गया फिर लगा कि यार बिजनेस मेरा शायद पैशन है देन आई इंट्रोस्पेक्टेड एंड आई थॉट की यार एक्चुअली ना पैशन बॉडी बिल्डिंग था ना म्यूजिक था ना बिजनेस है ना शायद ट्रेडिंग होगी मतलब स्टॉक मार्केट क्योंकि तब तक दिख दिख गई थी पैशन शायद रिसर्च है पैशन शायद नॉलेज है यू नो you know? hmm. तो बीट एनी थिंग मुझे बहुत इंटरेस्ट है यार मतलब मैं न आपको बताता हूँ जब विकीपीडिया शुरू हुआ था नया नया हम देखना शुरू हमने किया था मैं क्या कर रहा था जैसे मैंने कोई नया वर्ड सुना ठीक है फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड सुना था जब um, जॉब के टाइम पे सर्वर्स mm. अब right? mm. मैं आया सर्वर इज अ कंप्यूटिंग मशीन राइट हाइपर होते हैं ना उसमें अब मैं कंप्यूटिंग में घुस गया mm. उसके अंदर एक नया आर्टिकल आया मैं वो पढ़ने लगा उसके अंदर मैं किसी हाइपर में घुस गया तीन घंटे निकल गए मैं भूल गया मैं सर्वर पढ़ने निकला था तो दिस इज मी यू नो दिस इज मी अचानक मुझे भूत चढ़ते हैं मैं हाँ हाँ देर ओज अ टाइम I, uh, उस टाइम बिजनेस का टाइम था आई वॉज डूइंग एक्सपोर्ट्स एंड ऑल अचानक मैं एटमोस्फेरिक प्रेशर में इंटरेस्टेड हो गया मैं मैं पूरा दिन वो सब करके आई यूज टू वेट कि मैं रात को घर कब जाऊंगा और मैं पढूंगा एटमोस्फेरिक प्रेशर के बारे में फिजिक्स में इंटरेस्ट आ गया एकदम ओशनोग्राफी करने लग गया ऑल दैट तो अल्टीमेटली ये है कि मुझे एक्साइट करता है अनोन यू वॉन्ट टू लिमिट द अननोन अन हाँ, जब अननोन थोड़ा सा नोन हो जाता है देन आई फाइंड अनदर अननोन हां एंड क्यूरियोसिटी इज द सेंटर सेंटर ऑफ ऑफ एवरीथिंग एवरीथिंग बट ट्रेडिंग में इंटरेस्टिंगली आपने काफी टाइम स्पेंड किया है मतलब हां अगर आपका रीजन पता क्या है हाँ, क्योंकि इट जेल्स द मोस्ट विद माय जो मैंने भी आपको सारा स्किल सेट बताया हां अगेन यू डोंट हैव टू डील विद पीपल हियर राइट एक नॉर्मल बिजनेस में यार नॉर्मल बिजनेस में ना आपको बहुत कुछ करना है जिन लोगों को लगता है कि मुझे अपना बिजनेस करना है

किसी के अंदर काम करना आना चाहिए क्योंकि इवेंचुअली अगर आपने अपने लिए काम करना है तो आपको अपने साथ बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा मैं ना एक बार आपने देखा होगा एरिया में लोकल दुकानें होती हैं आपने कुछ दुकान वालों को देखा होगा बड़ी यू नो बहुत ही ग्रोइंग प्रॉस्पेरस होते हैं <coughs> कुछ होते हैं कि दिन का टाइम है बाहर बैठ गए तीन चार दुकान वाले ताश खेल रहे हैं hmm. है ना नहीं चलती ना दुकान नहीं चलती क्यों क्योंकि आपको लगता है मुझे जवाब थोड़ी देना है किसी को तो इट्स ईजी टू गेट डिसिप्लेंड इट्स ईजी इट्स डिफिकल्ट टू डिसिप्लिन यूर ये सही बात है बहुत मुश्किल काम है आपको लगता है कि यार मुझे कोई टोक थोड़ी लेट जाने से तो लेट चलता हूँ बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएंगे हाँ। बहुत टाइट होना पड़ेगा अपने साथ एज इनोनमस अगेन ही सेट कि यू नो मैं आई यूज टू स्लीप ऑन दर्क फ्लोर तो आपने पहले मैं उसका आंसर देता हूँ कि ट्रेडिंग से इतना स्टिक कैसे कर गए तो मैं ये बोल रहा था जब आप लेट से आई लव डूंग बिजनेस एंड आई स्टार्टअपनेस इन बिजनेस देर विल बी हंड्रेड थिंग्स दैट आई हैव टू डू विच आई माइट नॉट लव ठीक है आई माइट लव टू बी माई ओन बॉस बट आई माइट नॉट लव टैक्सेशंस आई माइट नॉट लव गेटिंग इन्वॉल्व इन ऑडिटिंग आई माइट नॉट लव अकाउंटिंग बट करना है ना hmm. करना है ट्रेडिंग में नाइट ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा है जो शायद यही है सिर्फ जो मैंने एक्सप्लेन किया कि मैं क्या हूं बचपन से इट्स यू यू एंड यू कहीं बाहर नहीं जाना यू नो यू डोंट हैव टू मैनेज पीपल पीपल इन इन नॉट रॉन्ग सेंस बट बिजनेस में तो यार यू हैव टू मैनिपुलेट ना hmm. चाहे सही डायरेक्शन में लाने के लिए ही बट यू हैव टू डू दैट ना hmm. यहां पर तो देर इज नो पर्सन नो इट्स जस्ट यू आप रात को बैठे हो आप चार घंटे क्या कर रहे हो रिसर्च कर रहे हो क्योंकि दैट इज योर बिजनेस तो मुझे ये अच्छा लगा दैट यू नो आई कैन बी दिस प्रोफेशन इज लेटिंग मी बी मी पूरी तरह से वही है इसमें सब कुछ hmm. कोई इंसान इन्वॉल्व नहीं है कोई मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं है कोई टीम इन्वॉल्व नहीं है कोई बाइंग सेलिंग नहीं है नेगोसिएशन नहीं है पेमेंट कलेक्शन नहीं है है ना पूरी प्रोसेस hmm. खत्म हो गई hmm. क्या है hmm. रिसर्च पढ़ते रहना है पढ़ते रहना है खुद पढ़ना है खुद पैटर्न इमर्ज होते हैं वो समझने हैं यू नो इट अपील टू माई

इवॉल्व माई सेल्फ मुझे अपने थाट्स को एनालाइज करना अच्छा लगता है hmm. मुझे अपनी आदतों के साथ प्ले करना अच्छा लगता है जैसे कि आई 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 एम वेरी सेंसिटिव टू टू थिंग्स हैपनिंग अराउंड मी जैसे कोई आवाज आती है मुझे बहुत पहले पता लगती है आवाजें पेरीफेरल विजन यू नो तो आई एम सेंसिटिव आउटवर्ड्सो आई एम सेंसिटिव इन वर्ड्स ऑल्सो मैं खुद को बड़ा थर्ड पार्टी परस्पेक्टिव से देखने का मुझे बचपन से इट कम्स नैचुरू मी ट्रेडिंग में यार यही सब है क्योंकि आप एक तो इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन है फुल ऑफ रिसर्च है ठीक है ट्रायल एंड एरर्स हैं इट्स लाइक म्यूजिक राइट यू प्ले यू मेक हंड्रेड ऑफ कॉम्बिनेशन देन यू लिसन टू दैम देन यू लाइक दिस वर्क दिस वर्क इसके इस पार्ट को इस पार्ट से मिलाए तो वैन यू लर्न ट्रेडिंग ठीक है वैन यू लर्न एनालिसिस हाउस इट लाइक आप पहले तो पढ़ते हो रिसर्च करते हो देन यू स्टार्ट प्लेइंग विद इट करेक्ट उस प्ले करने में ट्रायल एंड एरर्स हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हैं फिर फिर रिजल्ट देखना है उसका फिर रिजल्ट का एक पैटर्न बनाना है फिर देखना है वाट वर्कस वाट डजेंट फिर देखना है यार मैं ऐसे सिचुएशन में ऐसा बिहेव करता हूँ ये यार मेरा एक फ्लॉ है मुझे ना ऐसे चेंज करना पड़ेगा ठीक है अब मैं कैसे पकड़ूँ अपने आप को रियल टाइम तो मैं जब ऐसा करूँ और जैसे मुझे पता लगे आई स्लैप माई सेल्फ Yeah, I ये ना मुझे अपील करता है इट माइट मैडनेस बट ये मुझे अपील करता है यार, के साथ. मैंने ट्रेडिंग को कभी इस परस्पेक्टिव से सोचा ही नहीं, नहीं। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो मतलब ट्रेडिंग मैंने कभी किया नहीं है क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर मैं कोई चीज कर रहा हूं एज यू सेट तो मैं उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करके करूँ तभी मेरे को वो अपील करेगा वरना ऐसे अपील नहीं करेगा कि कोई और कर रहा है तो मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ बट नाउ आई कैन रिलेट कि वाई यू स्टार्ट ट्रेडिंग क्योंकि आज आप जो भी कर रहे हो ट्रेडिंग में वो सारी चीजें आपको अपील करती हैं आपको मजा आता है वो करने में एंड वेन यू मैंशन इट्स अबाउट यू ओनली यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ यू आर इम्प्रूविंग योर सेल्फ मुझे तो किसी मुझे किसी ट्रेडर का नाम भी नहीं पता था यार इस चीज़ में घुसने आई ओनली न्यू वॉर्न बफेट ठीक है और वॉरेन बफेट को आप जानते हो तो यू गेट टू नो चार्ली मंगर यू गेट टू नो बेंजामिन ग्राहम ये सब नाम आ जाते हैं आपकी लाइफ में राइट बट मुझे ना ये पता नहीं था कि कि मैं ये ढूंढूं कि यार कौन लोग हैं क्या लोग हैं किसी को देख के तो नहीं हुआ एक प्रोफेशन दिखा करने की कोशिश की रिसर्च किया अपील किया विच इज क्वाइट अनलाइक द टाइम्स वी आर लिविंग इन आपके टाइम पे आई थिंक एक तो ये भी था कि आप बुक्स के थ्रू जान पाओगे लोगों को या ब्लॉग्स के थ्रू जान पाओगे आज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है लोगों को रील्स के थ्रू पता चलता है अच्छा ये सक्सेसफुल हो गया ये ट्रेडिंग कर रहा था वीडियोज के थ्रू पता चल जाएगा लोगों को और फोमो होने लग जाता है कि यार मैं भी करूँगा मेर, मेरी जॉब बेकार है ये तो गोवा में बैठा हुआ है मैं यहाँ पे अपने में बैठा और इसी तरीके के एड्स भी चल रहे होते हैं में थिंक ट्रेडिंग करना किसको चाहिए आज की डेट में पहले तो हम ये बात करते हैं कि व्हाट इज ट्रेडिंग क्योंकि अभी हमने उसको ब्रेक डाउन नहीं किया hmm. Hmm. अभी वी आर स्टिल डिस्कसिंग की वाई यू स्टार्टेड व्हाट अपील्स टू यू व्हाट इज ट्रेडिंग और आज की डेट में हैविंग ऑल द काइंड ऑफ इंफॉर्मेश अराउंड मी शुड आई ट्रेड वट शुड बी देयर इन मी एंड वट क्वेश्चन शुड आई आस्क फ्रॉम माई सेल्फ बिफोर स्टार्टिंग दिस वट इज ट्रेडिंग ट्रेडिंग एज द नेम सजेस्ट इज एक्सचेंज ऑफ समथिंग बाइंग एंड सेलिंग इज द होल आइडिया ऑफ ट्रेडिंग नॉट जस्ट ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट्स ट्रेडिंग इन एनी थिंग राइट एक फर्नीचर वाला भी तो अपने को ट्रेडिंग कंपनी लिखता है ना hmm. तो ट्रेडिंग मतलब एक्सचेंज ऑफ समथिंग हम जिस मार्केट की बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट यहां इट मीन्स एक्सचेंज ऑफ शेयर फॉरेक्स मार्केट है कमोडिटी मार्केट है देर आर डिफरेंट मार्केट राइट क्रिप्टो मार्केट है द एक्सचेंज थिंग यू नो द थिंग यू एक्सचेंज इट बिकम्स डिफरेंट बट इट्स लाइक यू बाइंग समथिंग विद मनी

एक टाइम ऐसा आता है वैन दे वॉन्ट टू रेज बिगर मनी यू नो टू क्रिएट समथिंग बिगर देन दे गो पब्लिक सो दैट इज वाई वी 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 हियर द टर्म पब्लिक लिमिटेड दे गो पब्लिक बेसिकली वॉट दे आर डूइंग इज दे आर वैल्यूइंग देयर कंपनी राइट वैल्यूएशन हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से होती है सो वैन वी फॉर्म अ कंपनी इवन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इट्स लाइक शेयर्स सो लेट्स से यू यू बिकम अ डायरेक्टर इन यूर कंपनी विद समी टू पीपल प्राइवेट लिमिटेड योर ओन मनी the capital that you put in is divided into number of shares mm. so you hold that, those, those shares and your, your other director holds those shares when you go public mm. what happens is that you liquidate a portion of those shares to people mm. right those shares represent ownership control ownership interest or which is called equity <clears throat> and you take money from them and you give some equity percentage to them

पब्लिक है एट लार्ज है आप इक्विटी देते हो शेयर्स बांटते हो बांट के आपने पैसा रेज कर लिया दैट इज फर्स्ट पार्ट विच इज प्राइमरी मार्केट अब जिन लोगों ने खरीद लिए करेक्ट अब वो पब्लिक लिस्ट हो गई अब उस स्टॉक का प्राइस लगातार मूव कर रहा है hmm? Hmm. जिसने इनिशियली आपसे लिए थे एंड दैट इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ अब उसने मान लो आईपीओ लिया था दो सौ रुपए का अब वो स्टॉक है साढ़े तीन सौ रुपए का ही वुड वॉन्ट टू मेक मनी नो तो ही विल सेल इट टू समी समबडी हु पब्लिक आपस में ही you और know? ये मूव क्यों करता है प्राइस डिमांड सप्लाई ना सेम थिंग इफ मोर पीपल वॉन्ट टू बाई राइज आप ऐसे समझो लोग ना इसको गलत लेते हैं कई बार लोग बोलते हैं कि, कि किसी चीज का रेट बढ़ गया ना दे से बाइंग बहुत ज्यादा है ये सुना होगा आपने न्यूज चैनल्स पे द यूज बाइंग बहुत ज्यादा है सेलिंग बहुत ज्यादा इसलिए रेट किया बाइंग ज्यादा कैसे हो सकती है बाइंग विल ऑलवेज बी इक्वल टू सेलिंग करेक्ट hmm. जितने शेयर बिकेंगे उतने ही शेयर खरीदे जाएंगे hmm. तो ये बाइंग बहुत ज्यादा इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट प्राइस बढ़ता कैसे है सिंपल एग्जाम्पल देता हूं आप एक सब्जी मंडी में गए सब्जी मंडी में एक ठेली वाला खड़ा है जो सेब बेच रहा है ठीक है सिर्फ एक सेब चाहिए बहुत सारे लोगों को ठीक है मतलब अब वो रेयर कमोडिटी हो गई उस मार्केट की उसकी दुकान पे बहुत सारे लोगों ने भीड़ बना, बना रखी है ये तो उसको भी दिख रहा है ना कि मेरे पास इतने सेब नहीं है नहीं जितने है। लोगों को चाहिए अगर वो यहां पर रेट को ऊपर करता है तो कोई ना कोई तो ले ही लेगा ठीक है तो रेट क्यों बढ़ा क्योंकि डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई कम थी मगर जितने सेब बेचे जाएंगे उतने ही तो खरीदे, खरीदे जाएंगे बाइंग ज्यादा कैसे हो जाएगी आप मार्केट में गए सेब की दस ठेलियां हैं ठीक है और मार्केट में भीड़ नहीं है तो अब क्या होगा आप एक सेब वाले के पास जाओगे अच्छा डिमांड वाले केस में ना वो बोलेगा लेना है तो लो तो आगे नींद हाँ। सप्लाई वाले केस में जहां लोग नहीं है और ठेलियां लगी हुई हैं सेब की वो पीछे से आवाज देगा मैडम मैं रेट कम कर देता हूँ अरे सर आओ तो आओ तो रेट कम कर क्या हुआ रेट गिर गया रेट ये नोशनल हो रहा है ना अब सप्लाई ज्यादा हो गई है सप्लाई ज्यादा हो गई यही यहां पर है अब ये रेट क्यों बढ़ डिमांड अब या ये छोड़ दो कि रेट ऊपर नीचे क्यों होता है इसमें आएंगे डिमांड ऊपर नीचे उपर क्यों नीचे होती क्यों होती है करेक्ट वो राइट क्वेश्चन डिमांड होती है देखो अब ना हम फंडामेंटल एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस वो मेथड्स ऑफ एनालिसिस हैं बट अल्टीमेटली जो डिमांड या सप्लाई क्रिएट होती है वो फंडामेंटल से होती है लोग कंपनी के रिजल्ट्स देखते हैं कोई न्यूज आती है कंपनी को लेके जब मैं ये कह रहा हूं ना इसमें ये मैं सोचना कि इससे ट्रेड करते हैं हम ये ट्रेडिंग का फ्रेमवर्क नहीं है हमारा आई एम जस्ट गिविंग यू अ थियोरेटिकल आंसर टू अ थियोरेटिकल क्वेश्चन कि डिमांड क्यों बढ़ती है मान लो किसी कंपनी के रिजल्ट आ गए और वो रिजल्ट बहुत अच्छे हैं यू नो अचानक आप सुनोगे डिमांड क्रिएट हो गई सबको लेना है उसमें सबको अच्छा हाँ कोई ऐसी कंपनी है जिसका आपने अचानक रीले बनने लगे आजकल तो डिमांड भी क्रिएट करवाई जाती है इट्स अ कंट्रोवर्शियल थिंग फेक डिमांड्स हालांकि हमेशा से रहा है hmm. ये पंप एंड डंप एग्जिस्टेड इवन बिफोर इंटरनेट नकली डिमांड क्रिएट करते हो आप अब आजकल क्या है कुछ इन्फ्लुएंसर्स को आप बोलो कि स्टॉक को चढ़ाना है यू नो रील्स अबाउट इट गिविंग ट्विटर रिकमेंडेशन तो हम शुरू से ही ना आई एम अगेंस्ट दिस नहीं बोलना किसी को कि ये स्टॉक ये स्टॉक ले लो ये स्टॉक दे अगर आपको ये इंटरेस्ट है कि कैसे फिगर आउट करूं कि क्या खरीदूं या क्या बेचूं कैसे फिगर आउट करूं वो मेरा की एरिया है अदरवाइज यार आज तक ना क्या मैं एडवाइजर नहीं बन सकता था आई वुड बिकम अ स्टॉक एडवाइजर नो समझ रहे हो एक लाइसेंस लेना एग्जाम देना है स्टॉक एडवाइजर बट मुझे वो ना इट अपील टू मी इट मेक्स मी फील लाइक कि आप हैंडीकैप कर रहे हो किसी थर्ड पर्सन को इतने कॉम्प्लेक्स प्रोफेशन में हैंडी कैप इज नॉट अ गुड थिंग तो डिमांड सप्लाई जो पब्लिक न्यूज होती है डिराइव होती है वर्ल्ड मार्केट्स यू नो इससे ऊपर नीचे होती है बट ओवर अ लॉन्ग टर्म अगर आप देखोगे ये तो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन है करेक्ट बट इन शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन में भी समबड़ी हु होल्ड सम शेयर फ्लक्चुएशन ऊपर हो गई sell, hmm. is, ही कैन सेल ना दैट इज ट्रेडिंग तो कर रहा है ना वो लॉन्ग hmm. टर्म में इट इज ऑलवेज टाइड अप विद द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में इट्स लाइक like, कुछ भी होता है वो hmm? तो कुछ भी होता है अभी रैंडम तो है बहुत रैंडम है बट उसमें भी ना क्या बोलते हैं उसको देर इज अ सिस्टम इन के ऑस देर इज एन ऑर्डर इन के ऑस दैट्स वॉट टेक्निकल एनालिसिस इज अबाउट जो कि मैं करता हूं यार वो कहते हैं जितने भगवान उतने रास्ते है ना भगवान पाने के बहुत तरीके हैं यहां सब एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं टेक्निकल वाले बोलते हैं फंडामेंटल वाले बेकार हैं फंडामेंटल वाले बोलते हैं टेक्निकल वाले बेकार हैं विदिन टेक्निकल वाले हम तो प्राइज एक्शन वाले हैं हम इंडिकेटर यूज करते हैं हर कोई एक दूसरे कमिंग बैक टू द आइडिया एक प्रोफेशन विच वॉज अबाउट यू यू एंड यू यहां पर भी पॉलिटिक्स करेंगे समझ गए बात तो डिमांड सप्लाई का ये गेम है ट्रेडिंग इज आप ये समझो मोटा मोटा मैंने कुछ लिया उसका रेट ऊपर चला गया मैंने वो बेच दिया अब यार यहां पर ना शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मिड टर्म डे ट्रेडिंग बहुत सारे एंगल्स um, हैं hmm. हमेशा पैसा बन, बन जाना भी ठीक नहीं है मेरा कहने का मतलब ये है यू मेक मनी डज नॉट अमाउंट टू अ गुड ट्रेड मेकिंग मनी इज नॉट गुड ट्रेडिंग मतलब अगेन आई एम सेइंग दिस इफ यू मेक मनी इन अ ट्रेड इट्स नॉट नेसेसरली अ राइट ट्रेड गलती से भी तो पैसा बन सकता है आपने एक चीज़ ली वो आपने सौ रुपये की ली आपको पता ही नहीं क्यों ली किसी ने कह दिया था तो का वो एक सौ दस की हो गई आपका क्या रोल है इसमें आपने एक सौ दस पे बेच दी हुँ? आपको लगा मैंने पैसे कमा लिए वो गिर के साठ आ गई आप समझ रहे हो हु? यार डाई सी तो फेंका आपने क्या गुड ट्रेड है नहीं है पैसा बन गया हाँ बन गया इससे आपके साथ पता क्या होगा आपकी साइकी विल गो फॉर अ टॉस यू विल कंफ्यूज दिस चांस विद स्किल इतना मुश्किल भी नहीं है है ना कर पा रहा हूं मैं लोग hmm. ऐसे कहते हैं, नहीं, हो, नहीं होता द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू एनी बिगनर इज दैट ही मेक्स मनी फॉर फर्स्ट फ्यू इनिशियल ट्रेड्स इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता hmm. अब वो अंडर एस्टिमेट कर रहा है मार्केट को और ओवर एस्टिमेट कर रहा है स्किल को hmm. राइट right? hmm. आपने एक चीज ली सौ रुपए की वो चीज चालीस रुपए आ गई इवेंचुअली ठीक है अब वो कुछ सालों बाद डेढ़ सौ आ गई hmm. आपने बेच दिया इस इट अ गुड ट्रेड आप बताओ नहीं hmm. आपने आप... आपने लॉस बुक नहीं किया बस द ओनली थिंग इज दैट आपने लॉस बुक नहीं किया अदरवाइज hmm. एक एक इन्वेस्टमेंट अगर आपने ट्रेड कह लो इन्वेस्टमेंट कह लो उसका साठ गिर जाना गुड hmm. ट्रेड तो नहीं था hmm. बट क्योंकि आप बैठे रहे तो वो इवेंचुअली यू मेड मनी बट हाउ डज मैटर तो मेरा आप कहने का मतलब ये है कि ट्रेडिंग बाइंग सेलिंग जब आप इस डोमेन में आते हो मेजरली hmm. दो तरह के एनालिसिस मेथड्स हैं फंडामेंटल टेक्निकल कोई भी अप्रोच लो मेरा बस इतना कहना है कि आपने बोला ना कि क्या करना चाहिए कि मेरा इतना कहना है कि वेन यू चूज एनी अप्रोच चाहे फंडामेंटल हो चाहे टेक्निकल हो चाहे यू टेक द बुद्धा पाथ द दिडल मिडल वे टेक्नो फंडा बात कि मैं सिर्फ फंडामेंटल कंपनीज में जो फंडामेंटली गुड हैं उनमें ट्रेड करूंगा उनमें इन्वेस्ट करूंगा मगर एंट्री एग्जिट के मेथड्स टेक्निकल इज ऑल्सोट मैं रिजिड uh, नहीं हूं मैं जो करता हूं मैं तो वही करूंगा hmm. जो कोई और करता है माइड बी वर्किंग फॉर हिम करेक्ट मेरा कोई कैंप नहीं है मैं किसी कैंप को बिलोंग नहीं करता hmm. तो दैट मेक्स मी लिटल लेस फैंसी इन दिस वर्ल्ड क्योंकि लोगों को ना कॉन्ट्रोवर्सीज अच्छी लगती हैं कैम्प अच्छे लगते हैं करेक्ट ये मसाला मिलता है यार सोशल मीडिया का ना करेक्ट तो आप जब स्टार्ट कर रहे थे ट्रेडिंग तो आपने अपनी प्रिपरेशन कैसे करी थी और फिर उसके बाद प्रिपरेशन करने के बाद आपने कितने पैसे लेके वो ट्रेडिंग जर्नी अपनी स्टार्ट करी थी इससे इस क्वेश्चन से, इस से मैं आउटपुट ये चाहता हूँ कि आज के टाइम पे जो ट्रेडिंग करना चाहता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा अबंडेंस है उसको अगर स्ट्रिक्टली कुछ चीज़ें करनी हो hmm. बाकी सारी चीज़ों को नजरअंदाज करके hmm. और एक कैपिटल जो बेस होना चाहिए उससे स्टार्ट करना कैपिटल तो बहुत बाद में आएगा पता हाँ. है क्यों क्योंकि पहले तो स्टार्ट कैसे करोगे हाँ फिर स्टार्ट करके ये लगना भी तो चाहिए कि मैं ये अपना अलाइनमेंट भी तो देखोगे उस प्रोफेशन के साथ स्टार्ट कर दिया करके। टेस्ट करके नेक्स्ट वो भी स्टेज आगे बहुत आगे आएगी पहले तो कुछ टाइम तक तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी ना बहुत सारी जब मैं मैंने ये सोचा कि मुझे ये इंटरेस्ट आ रहा है वो बायोग्राफी पढ़ के कि मुझे ये इंटरेस्ट है काफी सारी बुक्स पढ़ी यार आई थिंक आई रेड एवरी थिंग दैट इज वर्थ रीडिंग इन दिस डोमेन क्या होता है कि जब आप बहुत कुछ पढ़ लेते हो एंड यू आर अ थिंकिंग पर्सन ठीक है एंड यू आर अ थिंकिंग पर्सन देन यू कम अप थिंग्स ऑफ योर ओन टेक्निकली वैन यू से ऑफ यूर ओन इट्स एन मेलगमेशन ऑफ मेनी थिंग्स ना आप आज जो भी हो हम कह तो देते हैं सेल्फ मेड सेल्फ मेड तो कुछ भी नहीं है ना दुनिया में इट्स पीपल इट्स सर्कमस्टांसेस विच शेप यू इन द वे यू आर सेल्फ मेड तो कुछ भी नहीं है इट्स जस्ट बींग एट द राइट प्लेस एट द राइट है जब मैंने शुरू किया तो मेरे पास ना ये रील्स और ये यूट्यूब वीडियो भी नहीं थे जो मुझे ये भी बता पाए कि आर टू वन इज टेक्निकल वन इज फंडामेंटल तो पहुंचना है भी पहुंचना है ना पहले भी समझ रहे हो मेरी बात मैं यही कहना चाहता हूं ये फिल्ट्रेशन थी वही लोग पहुंच पाएंगे जिनमें बहुत बड़ा कीड़ा है नहीं तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के युग में आप पहुंच ही कैसे पाओगे वहां तक जहां आप ट्रेड रेडी हो जाओगे यह पता करने में ही मेरे दोस्त की टेक्निकल एनालिसिस एक वर्ड है फंडामेंटल एक वर्ड है आप देखो यार एक आर्टिकल मिला वो आर्टिकल पढ़ा एक और आर्टिकल मिला वो आर्टिकल पढ़ा उसके नोट्स बनाए उसके नोट्स बनाए पांच सौ आर्टिकल पढ़ लिए उनके नोट्स बना लिए नोट्स hmm. बना के अपने दिमाग में एक स्टोरी बना रहे हो hmm. एक सीक्वेंस बना रहे हो पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये. Hmm. ऐसे शुरू किया है hmm. जब ये समझ आ गया फंडामेंटल इज अ डिफरेंट वर्ड टेक्निकल इज अ डिफरेंट वर्ड नाउ फंडामेंटल वर्ड इज अबाउट फाइनेंस अकाउंटिंग लिटल बिट ऑफ यस डेफिनेटली फॉरकास्टिंग ऑल्सो बट इट्स अबाउट यू अंडरस्टैंड कंपनी यू नो यू अंडरस्टैंड बिजनेस बिजनेस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस इट सेल्स कॉम्पिटिशन मार्केट नंबर्स ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स कॉम्पिटिशन सारी चीजें हैं ना आप उस कंपनी की फाइनेंशियल uh, हिस्ट्री देखते हो बैलेंस शीट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैश फ्लो स्टेटमेंट रेशोस निकालते हो डेट इक्विटी रेशो पी ई रेशो वैल दुनिया भर के रेशो निकालते हो वर्किंग कैपिटल कैसी है नेगेटिव कैश फ्लो है या पॉजिटिव कैश फ्लो है डेट कितना है करेक्ट फाइनेंस कॉस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन यू नेम इट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न ऑन इक्विटी तो ये सब पढ़ना पड़ेगा ना अगर आप इस बैकग्राउंड से नहीं हो अगर आप नहीं हो अकाउंटिंग बैकग्राउंड से या फाइनेंस बैकग्राउंड से एक इंजीनियर हो एंड यू डिसाइड टू डू फंडामेंटल आप कैसे बच जाओगे इससे आप कैसे एक पॉडकास्ट देख के कैसे एक रील देख के कैसे एक तीन घंटे का सेमिनार अटेंड करके आप अकाउंटिंग कैसे सीख लोगे बताओ समझ लो मेरी बात तो यार ये तो एक्सेप्ट करो ना अगर मैं घुस रहा हूँ इसमें तो पढ़ना पड़ेगा तो अगर आपने फंडामेंटल रूट चूज किया है तो पहले तो अपने आप को यार इलेवंथ ट्वेल्थ क्लास की अकाउंटिंग बुक्स से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा हालांकि मैं कॉमर्स स्टूडेंट ही था बट मैंने दोबारा पढ़िया पढ़ा मैंने दोबारा इलेवेंथ ट्वेल्थ की अकाउंटिंग बुक्स ली दोबारा उनको ये कह के मैं ये नहीं कह रहा कि फंडामेंटल एनालिसिस इज अबाउट अकाउंटिंग नहीं नहीं बट अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ नंबर्स बिजनेस की जो लैंग्वेज है वो नंबर्स है करेक्ट वो नंबर्स हैं अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो और आपको यही नहीं पता कि ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होती है कैसे पता लगेगा यार पढ़नी पड़ेगी ना किताबें इलेवेंथ की आपने अकाउंटिंग पढ़ी ट्वेल्थ की पढ़ी आजकल काफी ऐसी किताबें हैं विच इज लाइक अकाउंटिंग बेसिक्स फॉर अंतरप्रनोर इसलिए ऐसा है क्योंकि अब लोग अंतरप्रनोर बन गए hmm. एक अंतरप्रोर को भी अकाउंटिंग आनी आनी चाहिए, आनी चाहिए। तो hmm. तो वो 11, 12 तो पढ़ने जाएगा नहीं तो देर आर बुक्स जो नटशेल में सब समझा देती है, hmm. देती है अवेयर करवा है वो सब किया फाइनेंस hmm. फाइनेंस अब मैं MBA finance नहीं था मार्केटिंग hmm. था hmm. तो कॉरपोरेट फाइनेंस की किताबें पढ़ी ये सब करके फंडामेंटली अपने आप को इक्विप किया और अब मेरा जो पास्ट टाइम बन गया मेरे वीकेंड्स और ये सब वो अभी तो बिजनेस भी चल रहे थे वो पास्ट टाइम बन गया एक कंपनी पकड़ो hmm. उसकी पिछले पाँच साल की छः साल की एनुअल स्टेटमेंट्स निकालो और बैठ जाओ काम पे उनको एनालाइज करेंगे यू नो hmm. अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ अगर आप एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में लोग सोचते हैं ट्रेडिंग है फट ले फटाफट दे फट अभी खरीदा भी बेचा इन्वेस्टिंग इज लाइक मैन इट्स नॉट दैट इन्वेस्टिंग इज विच इज डन यूजिंग फंडामेंटल्स ट्रेडिंग इज समथिंग विच इज डन यूजिंग प्राइज तो जो भाव को बोलते हैं कि प्राइज है भाव है प्राइस के मूव को हम कैप्चर करते हैं फोकसड ऑन प्राइज इट सेल्फ ठीक है क्यों हम डिमांड सप्लाई की स्टडी कर रहे हैं hmm. उसी की स्टडी का नाम है टेक्निकल एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस इज स्टडी ऑफ मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस इज स्टडी ऑफ बिजनेस अलग अप्रोच हो गई ना नेचुरली वैन यू स्टडी मार्केट मैंने आपको बोला शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी होगा लॉन्ग hmm. टर्म में वही चीज ऊपर जाएगी या एक पाथ पकड़ेगी जो जिसका बिजनेस भी ग्रो कर रहा है hmm. तो डेफिनेटली फंडामेंटल लॉन्ग टर्म हो ही जाती है क्योंकि फंडामेंटली इफ इट इज वेरी गुड ग्रोइंग एट अ गुड प्लेस सब कुछ कंट्रोल में है कॉस्ट कंट्रोल में है तो इवेंचुअली स्टॉक प्राइस में राइज एज अ ट्रेडर मेरे को ये जानना है कि मान लो कि यार मुझे आज एक स्टॉक में घुसना है जो मैं चाहता हूं कि एक या दो दिन में मुझे मूव दे जाए ये तो बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो गई इंट्रा ट्रेडिंग मुझे अभी एक ऐसे स्टॉक में घुसना है जो मुझे अगले एक घंटे में मूव दे जाए ये जो मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्रेडिक्ट आप कर सकते हो बट देर आर मॉडल्स ठीक है आपको ना यार लोग ना भाई बहुत रिजिड है hmm. हर चीज में प्रिसीजन चाहते हैं hmm. मैं उनको ये बोलता हूं इस बायस को दूर करना है ना एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख लो hmm. आपको पता लगेगा कि ब्लैक एंड वाइट नहीं है दुनिया ग्रेज का बहुत बड़ा डोमेन है जब हम ये सिखाना भी शुरू करते हैं ना किसी को या जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ किसी को बताना भी आ, आप इमेजिन करो मैं स्नूकर खेलने जाता हूँ वहां मुझसे लोग पूछते हैं कि ये कौन सा स्टॉक मैं उनको ये कहना चाहता हूँ यार दिस इज अ रॉन्ग वे

मेरी एक बात समझो ये कि एक कंपनी का रिजल्ट आया बहुत अच्छा रिजल्ट है मुझे दिख रहा है कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड भी है अगले दस साल में कंपनी यहाँ पहुँचेगी पाँच साल में क्योंकि फंडामेंटली इज़ अबाउट दिस यू नो यू यू अंडरस्टैंड द नंबर्स यू टेक आउट द रेशोज एंड देन यू यू एक्स्ट्रापोलेट दो नंबर्स ये वेंचर कैपिटल वाले एंजल फंडिंग वाले जब स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं हाउ डू दे वैल्यू इट आइडिया ही तो है मान लो एंजल तो इन्वेस्टिंग एंजल फंडिंग तो वहाँ हो रही है जहाँ पर तो बिजनेस शुरू भी नहीं हुआ है अभी एक्सेल शीट पे है सारा बिजनेस सब एक्स्ट्रापोलेशन पे चल रहा है एक्स्ट्रापोलेशन है ना आप एक वैल्यूएशन तो बनाते हो आपने एक आइडिया दिया मेरे को मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितनी सेल्स करोगे हुई नहीं है नहीं। करोगे कैसे होगा एंड वी कम आउट एट अ नंबर किया ठीक है आपकी कंपनी पचास करोड़ की हम वैल्यू करते हैं अभी तो शुरू भी नहीं हुई है नहीं। उस पचास करोड़ में आई वॉन्ट इतना तो टेक दिस मच मनी वेंचर कैपिटल थोड़ा लेटर स्टेज हो गई प्राइवेट इक्विटी की बात कर रहे हैं हम हम कि यहाँ जहाँ कंपनी बढ़ गई है अब उसको और ज्यादा पैसे चाहिए एक्सपेंशन के लिए तो गेम तो उनका भी वही है ना वो फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं फंडामेंटली तो पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स में अकाउंटिंग नंबर्स परफॉर्मेंस फ्यूचर फॉरकास्ट फाउंडर करेक्ट उसका करेक्टर उसका पैटर्न उसका एटीट्यूड कॉम्पिटिशन ये सब करके आप पहुंचते हो ना एक नंबर तक तो फंडामेंटल इन्वेस्टिंग भी यही है जस्ट दैट यहां पर यू आर डीलिंग विद लिस्टेड कंपनीज करेक्ट वहां पर यू आर डीलिंग विद अनलिस्टेड कंपनीज बट टेक्निकल की नीड क्यों है क्योंकि जैसा मैंने बोला कि यार एक कंपनी अगले दस साल में मुझे उसका फ्यूचर अच्छा दिख रहा है उससे यह कैसे पता लगेगा कि दो दिन में इसका प्राइस भाग सकता है है ना <laughs> शॉर्ट टर्म तो नहीं आप समझ सकते या मैं किसी स्टॉक में हूं और मुझे यह कैसे पता लगेगा या प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं एंटिसिपेशन एंटिसिपेशन प्रॉबिलिटी पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग कि इस प्राइस एक्शन को देखकर ये लग रहा है कि यहां से ये यह करेक्शन दे सकता है तो मैं इमीडिएट अभी अपने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक कर लूँ जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो इस चक्कर में नहीं पड़ते हैं दे कंपनी दे स्टडीड इट फॉरकास्टेड ऑल दैट एंड नाउ दे आर इन नेविगेटिंग द फ्लक्चुएशन एंड ड्यूरिंग इट पांच साल छह साल आठ साल दस साल ओके ट्रेडर इज मोर कंसर्न अबाउट नाउ हाउ प्राइज इज मूविंग हाउ इट कैन मूव एंड हाउ ही डज दैट टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली इज अ स्टडी ऑफ मोटा मोटा देखेंगे तो ह्यूमन बिहेवियर क्योंकि जब हम चार्ट की बात करते हैं तो चार्ट पे जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं पैटर्न बनते हैं वो बनते किससे हैं लोगों के बाई सेल से एक्चुअल बायसेल से hmm? लोग बाय सेल क्यों करते हैं अपने टेम्परामेंट से अपनी साइकोलॉजी से तो वैन यू आर रीडिंग चार्ट वॉट एग्जैक्टली आर यू रीडिंग लोगों की साइकोलॉजी करेक्ट और उसमें आप देखोगे जब आप पढ़ना शुरू करते हो ना कि आप देखोगे यार अभी ये जो बन रहा है अभी ये जो हो रहा है प्राइज एक्शन में इफ यू आर कीन एनफ ये दो हजार तेरह में सेप्टेंबर में भी यही स्ट्रक्चर था यू नो इट्स परफॉर्म लाइक दिस ये दो हजार सात में इस स्टॉक में यह स्ट्रक्चर था इट परफॉर्म लाइक दिस इस तरह के चालीस पास्ट प्रेसिडेंट्स देखें उसमें से ये तीस बार एक तरह से काम किया है Good enough ना, Good enough for having a probability. तो मेरा कहने वहां आपको लगता है, पढ़ाई है क्या? वहां भी जाते खराब करनी पड़ेंगी यार तो ये जो आपने बोला किसको आना चाहिए तो पहला फिल्टर तो यही है कि इतनी पढ़ाई करने के लिए आप रेडी हो ना आप रेडी हो ना आपका बचपन से शौक है ना रिसर्चर बनने का है ना कि मैं और मेरा कंप्यूटर hmm. और सामने मैं एक चीज देख रहा हूं और मैं कोई बताता नहीं है यार ये कि ये ऐसे करो ऐसे करो समझना मेरी बात अगर आप कोई कोर्स भी ज्वाइन करते हो कोई बुक भी पढ़ते हो आपको एक फ्रेमवर्क मिलता है hmm. ठीक है मैंने अगर शुरू किया मुझे फ्रेमवर्क भी बनाना ही पड़ाई इट्स नॉट जस्ट यू हैव टू लर्न समथिंग इट्स अबाउट रीचिंग वॉट टू इवन लर्न ंग इट चार महीने तक यार यू आर वर्किंग ऑन समिंग ठीक है ओनली टू इवेंचुअली अंडरस्टैंड यह बेकार था ये पेशेंस कहां से लाओगे hmm. तो यह जो पूरा फैड है ना कि मैं जॉब छोड़ दूंगा यह कर लूंगा ऐसे नहीं है यार ऐसे नहीं है hmm. जो ट्रेजेक्ट्री है अच्छा मान ली अब आपका टेम्परामेंट है ये यू you नो know? तो मेरे हिसाब से ना पहली जो पहला जो स्किल है या आपको अपने अंदर झांकना चाहिए वो झांकना चाहिए मैं कितना पढ़ सकता हूं hmm. ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है कितना पढ़ सकता हूं दिस प्रोफेशन इज गोइंग टू बी लाइफ लॉन्ग परसूट ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी अंडरस्टैंडिंग इट योर ओन साइकोलॉजी एंड रीडिंग एंड सिटिंग इन फ्रंट ऑफ फंडामेंटल हो तो नंबर्स टेक्निकल हो तो चार्ट फॉर आर्स एंड आर्स एंड आर्स एंड आर्स इनिशियली तो का वीक भी यही होगा संडे का कंसेप्ट भी यही होगा, भी यही होगा। hmm. ये कुछ ऐसा नहीं है यार कि मैं साथ साथ मनी बनाऊंगा समझ रहे हो मेरी बात पार्ट टाइम इनकम कैसे कमाए वाली बात नहीं है <laughs> नहीं, नहीं है तो ये ना जैसे मुझे एक बार याद है एक बार एक इंटरव्यू में देख रहा था लेट राकेश झुंझुनवाला का एंड टाइम कि फुल टाइम ही तो होती है और क्या होती है विच इज बेसिकली अ वे कि ये कोई यार सट्टा थोड़ी है यार कि साइड से पैसा लगा देंगे कुछ पैसा बना लेंगे बन भी गया तो यहीं देखे जाओगे बन भी गया तो यहीं देखे जाओगे लोगों का इतना दिमाग खराब हो चुका है एक तो ये वाला फिल्टर ही खत्म हो गया है आपकी पर्सनैलिटी ही नहीं है किसी चीज में घुसने वाली तो आप नहीं बन सकते भाई आप मुझे बताओ अगर आपकी पर्सनैलिटी किसी चीज में घुसने की नहीं है आप सर्जन बन जाओगे क्या सपने में भी सोच सकते हो एक एक सवाल पूछें अपने आप से लोग आप बोल रहे हो कि क्योंकि ना इतने इतना आजकल सोशल मीडिया रील्स तो भाई रील्स तो डाइटिशियंस की भी आती हैं तो उसको देख के यंगस्टर्स भीड़ लगा के डाइटिशियन बनना चाह रहे हैं नहीं बनना चाह रहे कुकरी शोज भी बहुत चलते हैं तो क्या उसको देख के यंगस्टर्स कुकरी करना चाह रहे हैं नहीं करना चाह रहे तो ट्रेडिंग की रील्स को देख के ट्रेडिंग क्यों करना चाह रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ऐसा दिखाया जा रहा है या तो ऐसा उन्हें दिख रहा है कि इसमें काम कम है और जो सडन इनकम है वो जल्दी जनरेट हो जाएगी और ज़्यादा जनरेट हो जाएगी हाँ। तो यार पहली बात तो यार ये एक, एक बिल्कुल सरासर झूठ है बहुत ज़्यादा काम है इनफैक्ट ये मैं बोलता हूँ एक ओनली ऐसा प्रोफेशन है जहाँ बहुत मेहनत करके भी रिजल्ट नेगेटिव हो सकते हैं करेक्ट और आपका पैसा लॉस में जा सकता है मेरे को तो वही सोच सोच के ऐसा लगता है कि जब भी मैं लोगों को देखता हूँ हाँ, बट... <laughs> हाँ। इंसान नहीं है तो ना करें हाँ। मैं यार ये कहना चाह रहा हूँ आप एक जॉब करते हो मैनेजर हो अच्छा काम करो बुरा काम करो सैलरी मिलती है आप एक इंजीनियर हो अच्छा काम करो बुरा काम करो इवेंचुअली अलग बात है नौकरी से निकाले जाओ फिर भी पागल बना के कहीं और नौकरी मिल जाएगी पैसे तो मिलेंगे आपको महीने के एंड में पता है कि यार ये ये पैसे इससे इस बनाना यहां है। क्या है यहां क्या इट्स लाइक अ स्पोर्ट्स ठीक है एक स्पोर्ट्स जो कि चार महीने से या पांच महीने से ही इज प्रिपेयरिंग फॉर अ टूर्नामेंट वो दिन रात पसीना बहा रहा है बहुत प्रैक्टिस कर रहा है उसकी लाइफ इसी के अराउंड घूम रही है उसने अपनी फैमिली लाइफ छोड़ दी है नो वाइफ नो किड्स वीकेंड्स पे भी लगा हुआ है रातों को लगा हुआ है सोचता है तो यही सोचता है करता है तो यही करता है डाइटरी कंट्रोल आ गया है छह महीने तक यही है ना पसंदीदा चीजें छोड़ दी हैं खानी सब कुछ कर रहा है फॉर अ टूर्नामेंट टूर्नामेंट आ गया उसके मैच में वो खेलने गया वो छह महीने से उसने दिन रात एक कर रखा है कर रखा है ना वो गया और पहली बॉल पे आउट हो गया ये हो सकता है नहीं हो सकता बिल्कुल तो क्या हुआ हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोफेशन अदर प्रोफेशन में काम करोगे मेहनत करोगे तो रिजल्ट मिलेगा स्पोर्ट्स hmm. में बहुत मेहनत करके भी रिजल्ट कुछ नहीं हो सकता कुछ नहीं हो सकता आपको लगेगा सब बेकार हो गया बट नहीं हुआ एक्चुअली इट एड्स अप ट्रेडिंग में भी यही है मैंने एक चीज बहुत एनालाइज करी बहुत एनालाइज करी अब एनालिसिस ओवर एनालिसिस भी एक बीमारी है बट hmm. मान लिया कर ली ठीक है कर ली दुनिया भर की पढ़ाई करी है दो साल लगा चुका हूँ पढ़ता जा रहा हूं सब कुछ कर रहा हूँ आम, पुराने एनालिसिस देखे हैं वो सब करके ट्रेड लेने शुरू किए और एक साल हो गया है और लॉस में समझ रहे हो आपके साथ ऐसा हुआ है हाँ, कि एक साल हाँ। मेरे साथ एक्चुअली शुरू में बड़ी बिग विंस मिल गई जो आप हमेशा हाँ। अवेयर करते हो कि शुरू में बिग विंस मिल ली है इशू तो मतलब... क्या है इशू ये है आई वॉज कमिंग फ्रॉम जब ट्रेडिंग शुरू हुई ना लाइफ में जब इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग शुरू हुई तब तक पैसे थे

दिस प्रोफेशन वॉज गिविंग मी प्रोस्टेक्ट ऑफ मनी बाई डूइंग दैट तो जब मैंने स्टार्ट किया मेरे पास पैसे थे अपने पैसे थे क्योंकि मैं तो इतने सालों से काम कर रहा था ना ज्यादा पैसे होना भी एक एज नहीं है इट्स लाइक अ करस सेंस ऑफ अफोर्डेबिलिटी जो है ना दैट्स ऑल्सो हार्मुल क्योंकि अगर कोई नुकसान भी होता है पहले तो यू यू स्टार्ट बैटिंग बिगर ठीक mm. है देन mm. नुकसान भी होता है ना यू आर लाइक कोई बात नहीं रिफंड कर देंगे mm. पैसे तो है ना mm. आप टाइट नहीं हो पाते अपने साथ mm. टाइटनेस थोड़ी सी आती है लाइफ में जहां सप्लाई ऑफ मनी थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है hmm? तो आपको लगता है यार यही मेरा शॉट है mm. मुझे इसको देख देख के करना है इट सिंपल लाइक लूडो खेला आपने अब लूडो में मान लो आपके पास पचास लाख हैं हुँ, हुँ, थोड़ा रेकलेस तो थो हो ही जाओगे एक लाख का मैच खेल रहे हैं पांच लाख का मैच खेल रहे हैं हो जाओगे ना हैं हो गए क्या रेकलेस अब क्या पांच हजार का एक मैच खेल दोगे नहीं क्या करोगे पांच सौ पांच सौ वाले खेलोगे करेक्ट उसका ब्रेकडाउन होगा उसका हमेशा बुरे नहीं है एबंडेंस ऑफ समथिंग इट्स आपको ना लीवे दे देता है कि यार अरे हो गई गलती है ना hmm. सीख नहीं पाते ज़्यादा hmm. तो पहले तो यार मैं ये बोलूंगा हम जहां से बात कर रहे थे कि थोड़ा सा अपना इंट्रोस्पेक्शन करो अगर आपका ना पढ़ने वाला एटीट्यूड है पढ़ने वाला एटीट्यूड है ऑब्जर्वेशनल पावर्स हैं घंटों तक का फोकस है अब आजकल इशू क्या हो गया ये जो है ना ये दिस इज द बिगेस्ट पेंडेमिक इन द वर्ल्ड यू अग्री और नॉट यही तो है है ना इतना शॉर्ट अटेंशन स्पेन हो गया आपका दैट यू यू कांट इवन वॉच समथिंग लॉन्गर देन वन मिनट एक्चुअली में ये प्रॉब्लम है हुँ. अगर फंस गए हो आप इसमें तो ट्रेडिंग तो नहीं है आपके लिए ये तो मानना पड़ेगा इतनी मोटी किताब अगर मैं आपको दूं वुड यू बी इंटरेस्टेड टू रीड मतलब आई वुड भी बट अच्छा हाँ, मैं अगर मेरा कंसेप्ट बोलोगे ना हुँ. आप अगर मैं बोलूं कि यार आप बोलोगे मे, मेरे इंटरेस्ट की होगी तो हां बट ऐसे लोग भी होंगे जिनके इंटरेस्ट की भी होगी तो भी नहीं पढ़ पाएंगे तो भी नहीं पढ़ पाएंगे तो वो तो भूल जाओ यार हुँ. मेरा पर्सनली ये है कि मेरे इंटरेस्ट की नहीं भी होगी तो भी ओके मुझे लगता है इंटरेस्ट बना लेंगे है ना मैंने यार आई थिंक आई रेड मोर देन 200 बुक्स ऑन ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग फंडामेंटल किया तो टेक्निकल किया तो आई डोंट हैव काउंट और वो सब कुछ पढ़ के निचोड़ के भी देन देर देर कम से टाइम जब ना आप स्टेज पे आ जाते हो बहुत कुछ जब पता लग जाता है ना एक्चुअली में ये पता लगता है कि कुछ भी नहीं पता है मोर यू नो द मोर यू बिकम अवेयर ऑफ द अनोन आपको ये समझ आता है कि सब कुछ पता तो लग सकता ही नहीं है इट्स लाइक लाइफ जिनको कुछ नहीं बताए वो लोग चौड़ में रहते हैं उनको लगता है कि मेरे को सब आता है यहां मैं हमेशा एक बात बोलता हूं एक मैथमेटिक्स का टीचर स्कूल का सिक्स क्लास मैथमेटिक्स टीचर वो कंफ्यूज है या कॉन्फिडेंट है बताओ कॉन्फिडेंट है कॉन्फिडेंट क्योंकि है। वो तो सिक्स क्लास कब से पढ़ा रहा है? एक मैथमेटिशियन क्या वो कन्फ्यूज है या कॉन्फिडेंट है कन्फ्यूज है, है उसको पैराडॉक्सिस पता है उसको अननोन पता है एक्चुअली यू नो उसको पता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता कुछ भी नहीं पता जो पता करने को है उसमें तो अभी कुछ भी नहीं पता ये कन्फ्यूजन्स ये मैथ्स ये टीचर को नहीं है क्योंकि उसका यूनिवर्स बहुत छोटा है उस छोटे यूनिवर्स में ओके okay. है यही फर्क है एक्चुअली फिलोसोफी भी आ गई देखो मेरे को तो पूरा पॉडकास्ट ही फिलोसफिकल लग रहा है क्योंकि हम लोग एक्चुअली में वही बातें डिस्कस कर रहे हैं जो बेस है किसी भी प्रोफेशन का ये ट्रेडिंग ही नहीं है दिस ट्रेडिंग इज द फिलोसफिकल प्रोफेशन एक्चुअली यस इट्स फिलोसफी इट्स साइकोलॉजी यू नो परस्पेक्टिव बिल्डिंग तभी होता है जब आप फिलोसफिकल होते हैं फिलोसफी hmm. यार हवा में नहीं होती है फिलोसफी एक्सपीरियंस से आती है या तो hmm. इंट्रोस्पेक्शन yeah, से आती है hmm. तो मेरा यह मानना है कि एक तो यू मस्ट बी हार्ड वर्किंग यू मस्ट बी रेडी टू रीड फॉर लॉन्गर ठीक है रील से काम नहीं चलेगा <coughs> आज भी ना जब मेरे पास कोई सीखने की बात करता है मैं उसको ये बोलता हूँ इनिशियली आप पढ़ लो hmm. वो फिल्टर है मेरे लिए बता आपको hmm. क्या ये उस, 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 उस नदी को पार कर पाएगा हाँ ये बहुत बड़ा फिल्टर है मोस्टली पता लोग क्या करते हैं ऐसा इंसिडेंट है मेरे पास समबडी मैसेज मीन टू थाउजेंड और सो कि सर सीखना है ये ठीक है एंड आई गेव इमे लिस्ट ऑफ बुक्स उसके बाद वो हो बुक <laughs> तो वो दस जगह और भी उसने चक्कर काटे होंगे कौन बिना बुक के पढ़ा दे पढ़ा ना? दे दो हजार उन्नीस में दोबारा है गौड़ा सर, कैसे सीखू <laughs> तो मैंने उसको बोला अब तक तो यार पढ़ ली होती है ना hmm. तो बोलता कि अभी भी ये करना पड़ेगा क्या तो हमेशा यही करना पड़ेगा hmm. तो पहले तो यू मस्ट बी अ रीडर बिग टाइम रीडर ये मैं इसलिए बोल रहा हूं यार हम जो टीआईसी चलाते हैं द इनर सर्कल इट इज आउट एंड आउट अ टेक्निकल एनालिसिस लर्निंग सेंटर इट्स नॉट एन एडवाइजरी बिजनेस इट्स नॉट कोई स्टॉक का नाम नहीं है कोई ये नहीं है कि ये खरीदो ये बेचो आउट एंड आउट एक एकेडमिक सेंटर है समझ लो आप है ना? उसमें भी जो मेरा टीचिंग मेथड है आप मेरे से बात करके समझ ही रहे होंगे कि मैं छोटा रास्ता लेने वाले लोगों में से नहीं हूं मैं आपके आंसर भी छोटे रास्ते से नहीं दे रहा हूं है ना तो मैं लंबा रास्ता लेता हूं क्योंकि मैं पहले ना ये समझाना चाहता हूं कि क्वेश्चन का बेस ये है क्या ये क्वेश्चन आया कैसे तो भैया दो दो घंटे के ऑडियोज हैं तीन तीन घंटे के वीडियोज हैं इतनी लंबी लंबी पोस्ट लिखता हूं मैं कि वो टेलीग्राम जो है ना वो उसको चार में काट देता है तो जब मुझसे कोई कहता है इसीलिए ना इसीलिए हम उसमें ऐसे नहीं जा रहे हैं हम इसको ऐसे नहीं ले रहे हैं कि यार आज इतने स्टूडेंट कल इतने के इतने नहीं इट्स लाइक गुरुकुल इट्स नॉट लाइक अ कोचिंग सेंटर की क्रैश कोर्स नहीं।, नहीं है क्रैश कोर्स नहीं है मुझे पता है लंबा रास्ता है मुझे पता है कि इनफैक्ट वेन वी स्टार्टेड दिस आई मेड अ वीडियो ऑन यूट्यूब यू नो द टाइटल ऑफ द वीडियो डू नॉट ज्वाइन टी आई सी एंड इट्स नॉट जस्ट टाइटल कि यार ये कैची टाइटल ना 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 पूरे वीडियो में मैंने यही बताया है कि टी आई सी ज्वाइन किन को नहीं करना चाहिए hmm. पूरे वीडियो में यही बताया है, ये सारी बातें वहाँ की हैं कि ये सोच के आना कि जैसे सिविल सर्विसेज करने जा रहा हूं यह सोच के आना कि एक्सक्यूज बाय नहीं किए जाएंगे यह सोच के आना कि दो घंटे लंबा ऑडियो दस बार सुन सकता हूं यू you नो know? रेफर करना पड़ेगा ना कई कई बार यह सोच के आना यह सोच के आना कि रोज रात को अपनी नींद एक घंटा कम कर सकता हूं तो यार प्रॉब्लम पता क्या है प्रॉब्लम यह है कि जब लोग ये करना शुरू करते हैं ना उनके पास ना इजीअर अल्टरनेटिव्स भी हैं उनको लगता है इमीडिएट जंप कर लो ये नहीं हो रहा यार मुझे लगता है बहुत अच्छा हुआ क्योंकि ये कल को नाम खराबी करता <laughs> हाँ, नाम खराबी करता <laughs> तो माय आइडिया इन टीआईसी आल्सो टीआईसी यार जब कोई शु... अगर ना ये हम कमर्शियली कर रहे होते <laughs> तो आप खुद एक हो आप मुझे बताओ कि क्या यह पॉलिसी होती कि साल में एक बार एडमिशन होगा नहीं होती क्या हर, बैच होते? कि जब जो आ जाए? हर वक्त बैच ओपन ना, समझ ना? हाँ। होते word word होते है। कोई ऐसा कुछ नहीं है यार कोई जारगन्स नहीं है कोई फालतू की बातें नहीं है साल में एक बार एडमिशन है कोई साल के बीच में पचास लोग भी आके कह देना कि एडमिशन तो नहीं है पॉसिबल क्योंकि मेरे एंड पर इतना काम है अब आप समझो आज की डेट में हम तेरह चौदह बैचेस पे खड़े हैं देर आर मोर देन फाइव हंड्रेड पीपल जो कि चार साल एंड प्लस से टीआईसी में हैं। अब आप है अब कहोगे क्यों है सीखने आए थे अभी तक सीखे नहीं क्या hmm. सीख गए तभी तो टीआईसी में है hmm. जब आए थे हाँ तो सीखने आए थे जब सीख गए तो कम्युनिटी हो गई hmm. उनकी तरह का लोनली प्रोफेशन तो है ना लोनली तो है अपनी तरह के लोग मिल गए बातें कर रहे हैं और एनुअल फीस इज वॉट इट्स एक ट्रेड में कवर हो जाता है उनके इसलिए उनको कोई इशू ही नहीं है 500 400 500 600 सौ लोग ऐसे हैं जो पांच साल से टीआईसी में हैं उनको भी पता है ये मैं उनको भी कह रहा हूं कि नया कुछ नहीं सिखाऊंगा अब हो गया सब दे, दे दिया सारा ज्ञान बट एक तो होता है कंसेप्चुअल ज्ञान मार्केट्स hmm. तो चल रही है ना hmm. तो रोज कोई ना कोई नया वर्जन ऑफ दैट कंसेप्ट तो आ रहा है hmm. कोई डिस्कशन हो रहा है कोई इंटेलेक्चुअल टॉक हो रही है कुछ हो रहा है तो इट्स ओके okay. hmm. जब कोई नया बैच शुरू होता है तो पुराने का काम तो चल ही रहा है नए लोग और आ गए उनको जीरो से शुरू करना है और आई टेक इट्स वेरी सीरियसली ये ऐसा नहीं है कि ब, हो रहा है सिंस इट्स अ कॉलिंग दैट इज वाई ओनली वन सीन ईयर और उस वन सन ईयर से पहले भी एडमिशन से एक महीना पहले जितनी मेल्स आती हैं इंक्वायरी की उन सबको वो चार वीडियोस जाते हैं कि ये देखे बिना मत आना उन चारों चारों वीडियोस में ना मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप ये कर लोगे वो कर लोगे उन चारों वीडियोस में मैं ये बताता हूँ कि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे मैं ये बताता हूँ कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए खुद से दो तरह के ये चीज़ें हैं हर फील्ड में आपका इंटरेस्ट आ गया मीनिंग ऑफ लाइफ जानने में आप पहुंच गए योग तक फैंसी वर्ड इज आप योग तक पहुंच गए राजयोग हठ योग, योग हाँ? सहज योग कुंडलिनी पहुंच गए आप ये तो बड़ी ऐसी ऐसी बात होने लग गई आप पहुंच गए अब यहां दो तरह की चीजें होंगी कोई हिमालय में योगी है आप उसके पास गए और आपने बोला अपना डिसाइपल बना लो हा? कोई उसके पास फैंसी आश्रम नहीं है मे बी एक कुटिया है समथिंग लाइक दैट या ऐसे लोग यहां भी हैं कोई एक कुटिया है कुछ है उसके ना बहुत कंडीशंस होंगी भीड़ नहीं लगाना चाहता है वो उसका इंटरेस्ट पहले ये जानने में ही होगा पहले तो वो यही कहेगा छः महीने तक तो कि तेरे बस की नहीं है yeah. आप समझ रहे हो क्योंकि वो आपकी परसिस्टेंस देखना चाहता है yeah. वेयर एज ऑन दी अदर हैंड ऐसे वाले आश्रम जहां पर यह है कि बस ये ताबीज बांध देता हूं अगर कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो कहे ताबीज बंधवा लो और तुम सब पालोगे सारा ज्ञान मिल जाएगा अब मुझे बताओ भीड़ होगी या नहीं होगी डेफिनेटली शॉर्टकट सबको चाहिए सबको चाहिए तो इसलिए टीआईसी में भीड़ नहीं है पर आ, हम क्योंकि टीआईसी में एकदम से जंप कर गए और आपने उसका ब्रेकडाउन भी दिया मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपके वे ऑफ ट्रेडिंग में

आप मैं ये नहीं कह रहा आप इसको प्रोफेशन बना लो अपना सीखना तो पड़ेगा और वो सीखने के लिए शुरू में कुछ सेक्रीफाइस तो करने पड़ेंगे कि चाहे मैं रात को नौ बजे थक के घर पहुंचता हूं तो भी मुझे रात को खाना खा के दो घंटे पढ़ना पड़ेगा एक दो साल में ऐसा करूंगा तो आई हैव एनफ नॉलेज टू नेविगेट दिस वर्ल्ड फिर मैं फिगर आउट करूंगा कि मैं ये दो हजार रुपए कैसे कमाऊं तो जब हमको इतना सारा एफर्ट ट्रेडिंग करने में ही लगता है तो आपने सिखाने का क्यों सोचा वो आइडिया क्या था कि मैं एक उसके दो कारण हाँ। एक तो टाइम अवेलेबिलिटी जब आप ट्रेडिंग ना ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे पूरा दिन डिमांड करता है आपका इट्स लाइक मार्केट ही बंद हो गई साढ़े तीन बजे आप अपनी रिसर्च कर भी लोगे तो रात को एक घंटा ही चाहिए आपको उसके लिए दूसरा ना टीचिंग जो है ना इट हैज इट हैज डीप रूट्स इन माय सबकॉन्शियस माय मदर वॉज अ टीचर इज अ टीचर अब तो शायद तो, तो hmm. मैं बचपन से यार टीचर्स में ही पला बड़ा हूं hmm. आप समझ रहे हो मतलब जब मैं पैदा हुआ तो हमारे स्कूल में चालीस टीचर्स थी तो मेरा पालन पोषण स्कूल में टीचर्स में हुआ है ठीक hmm. है मेरे को समझाने का कीड़ा है अभी भी समझा ही रहा हूं ना hmm. जब मैं बिजनेस कर रहा था या जॉब कर रहा था वहां भी ना जो मेरे फेवरेट पार्ट्स थे कि मेरे को क्या अच्छा लगता है बिजनेस में वो लगता था वो ये अच्छा नहीं लगता था कि ये मैंने इससे दो रुपये कम करा लिए मैंने इसको पांच रुपये में महंगा बेच दिया मेरे को अच्छा लगता था कि मैं कस्टमर के पास जाऊं और कस्टमर बोले कि यार आप बताओ क्या लें सर्वर जब सर्वर स्टोरेज बेचते थे ना आई टेड दो कस्टमर्स जो जब मैं किसी के पास गया और बोलते थे हमें ये बावन सो एन प्रिंटर चाहिए मुझे नहीं चाहिए ऐसा कस्टमर जबकि कौन नहीं चाहेगा मुझे लगता था कि अब यहां पर प्राइस देने के अलावा और बचा ही क्या है मेरा इंटरेस्ट किसमें मैं उसको कह रहा हूं आपको कैसे पता है बावन सो एन चाहिए आपको ही सर मैंने कर लिया रिसर्च मैंने कहा मुझे समझा दो रिसर्च हो सकता है आपको बावन सो डी टी एन चाहिए हो, हो सकता है आपको ट्रिपल फाइव जीरो चाहिए हो? मेरा इंटरेस्ट क्या है मैं कस्टमर के पास जाऊं और सोल्यूशन पिच करूं। मेरी ना पूरी सेल्स प्रोसेस में भी उस टाइम पर भी जो एक मेजर वे था वो क्या था एक वाइट बोर्ड मिल जाए और एक मार्कर मिल जाए आए तो लिव माई लाइफ विद इट मुझे बहुत अच्छा लगता है यार अपने थॉट्स को अपने आइडियाज को बांटना ऐसी बड़ी सारी चीज़ें हैं जैसे ना मेरे कोई मैं मैं कई बार सोचता हूँ मेरे लाइफ के बारे में क्या सोचता हूँ फिर मैं उसके नोट बनाता हूं ठीक है फिर मैं उसको बांटता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि इसके ये तीन पार्ट इस पार्ट के ये दो इसका सब पार्ट ये दिस इज माई लाइफ तो जब मैंने ये करने लगा तो क्योंकि मैं खुद ट्रायल एरर से आ रहा था मैं खुद उस रास्ते से आ रहा था आई स्टार्टेड गिविंग अ स्ट्रक्चर टू माई एक एग्जाम्पल देता हूं अभी तक हमने बात कर ली कि गुड ट्रेडर ट्रेडर कौन बन सकता है कौन टीचर भी हर कोई नहीं बन सकता है है ना अ गुड प्लेयर माइट मे बिकम अ गुड कोच अ बैड प्लेयर मे बिकम गुड कोच अ बैड प्लेयर मे बिकम अ बैड कोच तो एनीथिंग इज पॉसिबल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है hmm. कोई बहुत अच्छा प्लेयर हो परफॉर्मर्स जो होते हैं ना यार मोस्टली वो क्या होता है कि उनका ना अपने आइडियाज स्ट्रक्चर्ड नहीं होते दे नो समझ रहे हो मेरी बात दे नो इनफैक्ट दे नो सो मच दैट दे फील बट वो फील डिफाइन नहीं किया उन्होंने दे फील तो जब परफॉर्मेंस का टाइम आता है दे डू इट इट्स लाइक ब्रीदिंग फॉर देम आप बोलो कि यार किसी को सिखाओ अब तो वर्ड्स चाहिए अब चाहिए कि पहले आप अपनी ही स्किल को एनालाइज करो इट्स नॉट एन इजी थिंग मेरे को ये बड़ा इंटरेस्ट है mm. मेरे लिए ना टीचिंग भी मोर देन एनीथिंग मोर देन अदर पर्सन मोर देन दी स्टूडेंट मेरे लिए अगेन इट्स अ रोड ऑफ सेल्फ एनालिसिस वी स्टार्टेड इट आपको पता है जब मैंने स्टार्ट किया कुछ नहीं पता था क्या करना है जस्ट दैट आई हैड अ फेसबुक ग्रुप एंड आई यूज टू आंसर क्वेरीज देयर और वो सब दे ट्वेंटी थाउजेंड में तब ना ये सोचा कि एक कुछ शुरू करते हैं जहां पर ना मैं इससे ज्यादा बताना चाहता हूँ बट फेसबुक की लिमिटेशन क्या थी कि मान लो मेरे मन में कुछ आया कुछ बोलना है आई कैंट जस्ट पिकअप माई फोन एंड रिकॉर्ड इट यू नो तो इट हैज टू बी समर प्लेटफॉर्म देन वैन वी डू इट आई वॉन्ट पीपल टू सीरियस पीपल टू बी देयर आपको पता है क्या पिच थी पहले बैच की ये नहीं थी कि ये सिखाएंगे ये सिखाएंगे तुम इतना पैसा कमा लो ये तो आज भी नहीं है पहले बैच की पिच ये थी कि कोई कोर्स नहीं है कुछ नहीं है मैं अपने डे टू डे थॉट शेयर कर लूंगा अगर उसमें इंटरेस्ट है तो यू कैन ज्वाइन आप समझ रहे हो कितना पथेटिक पिच है यार हाँ मतलब फोर हंड्रेड पीपल ज्वाइन एंड आई मे मेरे ऐसे पागल हैं दुनिया में हाँ. जो मेरे पागलपन को समझ पाते हैं उनको समझ आता है कि यार ये इंसान ना ये झूठ नहीं बोल रहा है Hmm. ये इंसान ये नहीं कह रहा है कि तुम ये कर लोगे वो कर लोगे और लगता होगा ठीक लोगों को जब वो लोग आ गए एक ग्रुप बन गया एंड आई थॉट कि मैं इनको क्या पढ़ाऊं <laughs> सुनो ना यार मेरे अब ना मैं आई थिंक आई स्पेंड स्लीपलेस नाइट्स मैनी स्लीपलेस नाइट्स मैं ये सोचता था कि मेरे को क्या क्या आता है <laughs> मैं जो कर रहा हूं सामने ट्रेड आया आए मुझे चार्ट में कुछ दिख रहा है आई बॉट मेरी उंगलियाँ इतनी तेज चलती हैं कभी दिखाऊंगा मैं आपको hmm. मैंने ऑर्डर लगाया ऑर्डर काटा ऑर्डर लगाया अगला ऑर्डर लगाया इसको इतना सेल किया फिर थोड़ा सा और खरीदा मुझे दिमाग में चल रहा है ये मैंने एक सौ सौ तेईस रुपये पचास पैसे पे खरीदा हुआ इतनी क्वांटिटी एक सौ बाईस अस्सी पर इतनी खरीदी हुई एक सौ बाईस अस्सी वाले की इतनी का इतना बेच दिया एक सौ चौबीस दस पे आई एम इट लाइक दिस इट्स लाइक आर्टिकुलेशन भी तो चाहिए अब समझाने के लिए आप राहुल द्रविड़ जैसे इंसान को बोलोगे कि सिखाए तो तुम्हें भी सिखा सकता होगा अगर जब सहवाग अपने प्राइम पे था अगर आप सहवाग को बोलो किसी को सिखाओ क्या बोलेगा बल्ला पकड़ो आएगी घुमा दे बट क्या वो ये कर रहा है नहीं वो ये नहीं कर रहा है वो जो, जो कर रहा है वो वो यार वो ना उसके सब कॉन्शियस में घुस गया है वो इतना डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट फास्ट है और वो हर तरह की पॉसिबिलिटी पे अलग अलग तरह के रिएक्शन करके वो देख चुके हैं एक्सपीरियंस hmm. हो गया है रिफ्लेक्सिस बिल्डअप है दिमाग में हैं, hmm. मगर वो कंसेप्ट बताने नहीं आएंगे hmm. तो मैंने अपने साथ वो जर्नी शुरू की अच्छा एंड आई ऑफ क्रिएटेड फ्रेमवर्क अराउंड व्हाट आई डू योर स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग एंड माय स्टाइल इज वेरी यूनिवर्सल मतलब जो मैं सिखाता हूँ hmm. वो सीख के आप यू कैन चूज योर स्टाइल मतलब hmm. मेरा तो ये है कि वो ना कि मेक योर ओन पिजा तो मैंने अब यहां पता है क्या हुआ आई क्रिएटेड टर्म्स तो आई क्रिएटेड डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज फॉर डिफरेंट कंसेप्ट दैट आई हैड डेवेलप ओवर द दर्स ये सबसे मुश्किल पार्ट था टफर देन ट्रेडिंग अब वीडियोस रिकॉर्ड करना अच्छा फिर क्या हुआ मैं मैंने बात की थी डे टू डे थॉट्स शेयर करें करूंगा मैं स्टूडेंट्स के साथ मुझे सामने वॉल आ गई कि मैं डे टू डे थॉट्स भी शेयर कैसे करूं पहले वो कॉमन लैंग्वेज ग्राउंड पे तो हों समझ रहे हो आप तो कॉमन लैंग्वेज ग्राउंड के लिए एक वोकेबले एक चाहिए वो वोकेबले क्रिएट की एक एक वीडियो के लिए ऑडियो के लिए दस दस दिन वेट करते थे वो है hmm. ना कि आज कुछ बता दिया अब नौ दिन बस हालचाल होगा <laughs> अभी वो कैब्रेरी <के> <laughs> क्रिएट है इन अ कपल ऑफ इयर्स इतनी बड़ी लाइब्रेरी क्रिएट हो गई इतनी बड़ी लाइब्रेरी क्रिएट हो गई कि देर इज नथिंग अंडर द सन दैट यू नीड टू नो एंड इट्स नॉट देयर यू नो एंड हर चीज से रिलेटेड चाहे वो चार्टिंग हो चाहे वो साइकोलॉजी हो चाहे वो टेम्परामेंट हो चाहे वो रिएक्शन हो, चाहे वो फिलोसफी हो एंड हाउ इट रेट्स टू ट्रेडिंग चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे वो यू you नो know? फिर उसको स्ट्रक्चर किया मैंने कि पहले ये बताएंगे फिर ये बताएंगे तो अब रिसोर्सेज होना देन उसकी एक सीक्वेंस होना <coughs> वो भी तो पॉइंट है ना तो अब जो नए बैच आते हैं उनके लिए आई हैव द रिसोर्सेज फर्स्ट बैच के लिए जितनी मेहनत मैंने की उतनी उन्होंने भी की क्योंकि दे वर ऑल्सो यू नो बट समहा दे टर्न आउट टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल एवर सम ऑफ इंस्पायरिंग जर्नीज यू टू शेयर हर तरह तरह के लोग हैं मतलब आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम समबडीज पेरेंट्स ही वॉज अ वर्किंग फेलो दैट ही प्रीपेड द लोन टू हिज होम यू नो दे वॉज अ लेडी शी वॉन्टेड टू गिफ्ट अ बाइक टू हर फादर ऑन हिज बर्थडे शी यार मैं ना फिर यही बोलता हूं जब ये होता भी है ना तो भी मैं मैं यही बताना चाहता हूं ये ऐसे सोच के कि ऐसा हो जाएगा नहीं आप समझ लो यार ये ना ये ना बात करना बहुत गलत हो जाता है मेरे को पता है कि आप वो बात नहीं करना चाहते हो क्योंकि उससे शायद उससे हिट हाँ। होता है कि यार अरे बट हम इस बात में बहुत लेट पे पहुंचे हैं तो हम इसे कर सकते हैं अब मान लो किसी ने वो सब देखा ही ना हो डायरेक्टली यहीं से देखो नहीं 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 ऐसा तो नहीं होगा <laughs> <laughs> हम ऐसी रील भी नहीं काटेंगे बट स्टिल कि आप कोई भी काम कर रहे हो ये तो ट्रेडिंग ही नहीं है मैं अगर आज आई हैव मेनी आई हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल दी प्रोफेशंस आई हैव बिजनेस पीपल जो टीआईसी का एवरेज एज है स्टूडेंट्स का दैट इज अराउंड 37 38 थर्टी वी एफ स्टूडेंट्स हु आर सिक्सटी फाइव ईयर्स ओल्ड पी एफ स्टूडेंट्स आर डॉक्टर्स लॉयर्स इंजीनियर्स मैनेजर्स कॉरपोरेट गाइड्स सी लेवल एग्जीक्यूटिव अब मैं आपको एक बात बात बताता हूँ मुझे मेल आई है किसी की कि आई एम आई एम इन कॉलेज नहीं एक्चुअली नहीं आई एम इन क्लास ट्वेल्थ और सर आई वॉन्ट टू लर्न मैंने पता उसको क्या रिप्लाई किया नॉट अलाउड <laughs> मुझे पता है और आपको पता है एक पूरा गैमुट ऑफ कोचेस है हाँ। जो टारगेट ही स्टूडेंट स्टूडेंट को हाउस वाइफ को इनको करता है पेंशनर्स को कि यार इनके पास पैसे हैं टाइम टाइम है मेरे तो फिल्टर्स पचास हजार हैं क्या है। तुम ऐसे हो क्या तुम ऐसे हो क्या तुम ऐसे हो मना कर दिया अ स्टूडेंट ऑफ माइंड करंटली ही इज अ सीएफओ इन अग कंपनी मैसेज डू मी एन ही सेट की माई सन आई वॉन्ट माई सन टू अर्न माई रिप्लाई वॉज टूअरली लेट हिम अर्न सम मनी फ्रॉम अ प्रोफेशनल अदर सोर्स है ना hmm. चाहे जॉब करके चाहे बिजनेस करके ताकि ही अंडरस्टैंड की यहां पर स्क्रीन पे जो पैसे ऐसे बन जाते हैं मैंने मान लिया बहुत स्किल है मान लिया मेहनत तो की है मगर उस पैसे की रियल वर्ल्ड वैल्यू भी तो पता लगे hmm. कि यार दुनिया में दस हजार रुपए कमाने के लिए क्या करना पड़ता है है ना यहाँ जो क्लिक से इधर उधर होते हैं hmm. तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ बच्चों को फाइनेंशियली लिटरेट बनाओ मगर मुझे लगता है एक स्टूडेंट के लिए टू अर्ली hmm. तो अब ये देखो ऐसा करके मैं एक मार्केट काट दी मैंने है ना बट इट्स माई कॉन्शियस बट आई थिंक ये काफ़ी सही चीज़ है अगर आप वो मार्केट काट भी रहे हो तो कम से कम आप अपने आप को तो आंसर कर सकते हो कि यार मैं सही कर रहा हूँ अपने लिए पीपल

इसको ये जोड़ते हैं इसको ये करते हैं रिफ्लेक्शन mm. तो ही शाइंड थ्रू राइट एंड देन ही केम टू अ सिचुएशन इज लाइक आई थिंक आई यू नो आई वुड शिफ्ट दैट्स हिज कॉल राइट बट माय पॉइंट इज कि ही रीच हिज लेवल ऑफ बीइंग अ डॉक्टर इन दिस आल्सो देन देर आर पीपल जिनको चार चार साल हो गए पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं छः सात महीने में समझ आना शुरू हो जाता है कि किन स्टूडेंट्स में दम है देन देर आर स्टूडेंट जिनको तीन चार साल भी हो गए दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग उनके सामने नया बैच आता है उसमें से परफॉर्मर्स एमर्ज होते हैं फिर नया बैच आता है उसमें से परफॉर्मर्स एमर्ज होते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं तो मैं उनको ये बोलता हूँ यार मतलब कभी तो वो टाइम आए ना जब बैठ के अपने आप के बारे में सोचो अपने आप को वेल्यूएट करो नहीं तो क्या क्या फायदा यार साल दर साल मेरा खून भी जला रहे हो अपना भी जला रहे हो तो जब तो, कोई स्टूडेंट एंटर कर रहा है तो उसका परसेप्शन क्या है कि मैं क्यों एंटर कर रहा हूँ मेरे को क्या आउटपुट मिलेगा और जब वो सीख रहा है क्या उसका वो माइंड हाँ, सेट फिल्टर हो है। जाता है ना क्योंकि हमारा रिन्यूअल मॉडल है दिस इज द दिस इज वाई वी दिस वे इट्स नॉट अ स्टैटिक कोर्स ठीक है इट्स अ डायनेमिक प्लेटफॉर्म जहाँ पर देर स्टैटिक एंड डायनेमिक बोथ तो फॉर एग्जाम्पल कोई नया बैच ज्वाइन करता है उनको अगले दो साल तक पढ़ाने के लिए जितने रिसोर्सेस चाहिए चाहे ऑडियोज चाहे वीडियोज चाहे पोस्ट वो सब तो है ना मेरे पास मगर जब उनकी जो क्वेरीज हैं उसके जो आंसर हैं जो इंटरेक्शन है वो तो हर बैच के साथ नया है ना ठीक है ना तो स्टैटिक पार्ट तो है ही है बट डायनेमिक पार्ट भी है डायनेमिक में टच पॉइंट्स क्या है उनके साथ डेली बेसिस का टच पॉइंट है hmm. देखो शुरू में ना करीबन एक महीने तक आई डोंट डू इट डायनेमिक। एक महीने तक आई गिव देम एनफ स्टैटिक इंफॉर्मेशन सो दैट बात करने को कुछ तो हो अगर मैं पहले दिन से डायनेमिक कर दूंगा Fair तो फालतू की बातें करेंगे कितना टॉपिक्स आ गए अब एक वर्क स्पेस बनाया जहां पर वी कैन डू बोथ वे तब तक एक महीने तक इट्स जस्ट वन वे ओनली आई कैन टॉक अब नाउ इट्स बोथ वेस्ट अब देन यू यू नो ऑल काइंड ऑफ क्वेरीज जो पढ़ रहे हो जो पढ़ाया जा रहा है सब कुछ उसमें भी पता है आपको डेली बेसिस पे एक नए बैच के साथ जो सबसे ज्यादा मेरे आंसर्स होते हैं ना वो ये होते हैं कि यार ड्रॉप दिस थिंकिंग ड्रॉप दिस लेवल ऑफ थिंकिंग ये सोचना छोड़ दो भाई तुम टीआईसी में हो यूट्यूब पे नहीं हो हाँ आप समझ रहे हो सही बात है समझ जाते हैं लोग ऐसा नहीं है आपको एक प्लेस की वाइब तो कैच हो ही जाती है ऐसा नहीं है जो नहीं समझते तो वी हैव मॉडल कि छह महीने का सब्सक्रिप्शन है या एनुअल है मैं छह महीने का ना आपको बताऊं रखना नहीं चाहता था क्योंकि सीखने सीखने में ही डेढ़ दो साल तो निकल जाएंगे सुन के ही फिल्टर हो गया लोगों का अब डेढ़ दो साल लगेंगे बेकार है टीचर वेरी हैप्पी वेरी हैप्पी मुझे पता है कि एक साल से कम हाँ। का मॉडल तो है ही नहीं सीखने का नहीं, नहीं।, सही बात है कंटेंट ही खत्म नहीं होगा तब तक तो तो फिर छह महीने क्यों रखा पता क्यों रखा क्यों ताकि शुरू के छह महीने में जो मिसफिट हैं वो समझ जाएं और निकल जाएं जाए हाँ। उनको ना बर्डन ना लगे कि यार एक साल रुकना पड़ेगा और मैं भी नहीं चाहता उनको ढोना अपने सर पर हाँ, काफी इंटरेस्टिंग तो आइडिया ये है कि छह महीने में अपने आप तुम समझ गए ना तक समझ गए माई वे ऑफ डूइंग थिंग्स हमारा पाथ क्या है hmm. समझ गए समझ गए कि तबीज नहीं बांधेंगे मेडिटेट hmm. करवाएंगे घंटों hmm. है ना hmm. ध्यान से ही तपस्या से ही मोक्ष दिलवाएंगे hmm. तबीज के नहीं दिलवाएंगे hmm. समझ आ गया छोड़ दो तो छह महीने में वेरी आई एम वेरी हैप्पी बट दोन दिस इज द पॉइंट तो मैं ज, जब टीचिंग में घुसा तो मुझे ये अगेन इट्स मोर ऑफ सेल्फ वर्क ना मैं पहले तो अपने ही नॉलेज को अपने ही को टीचेबल बना रहा हूँ बनाया आप समझते हो टीचेबिलिटी भी तो एक चीज है इट्स नॉट अब ये भी जैसे आप ये कह रहे हो ना कि हर कोई ट्रेडिंग में घुसता है आजकल ऐसी हर कोई टीचिंग में भी घुसता है आजकल हाँ कोर्स लॉन्च हो जाता है बड़ा सिंपल है टीचेबल कोई साइट है क्या लोगों को मैं इतना कहना चाहता हूँ ब्रॉड थिंकर बनो हुँ. कोई बंदे का कोर्स लॉन्च हुआ अरे यार, यार ये तो ट्रेडिंग में पैसा नहीं बन रहा होगा ना इसलिए कोर्स बेचते हैं हाँ आई एम सींग अगर वो अच्छा पढ़ाता है तुम्हें समझ आता है एंड इट वर्क फॉर यू तो क्या पढ़ता है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आई नहीं बन पाए बट उन्होंने आई एस ऑफिसर्स निकाले। ठीक है इट्स अबाउट और अगर अगर सुनो अगर उसने इसीलिए ही कोर्स लॉन्च किया है या टीचिंग लॉन्च की है क्योंकि वो पैसे नहीं बना पाता यू विल सी इट इन द टीचिंग यू विल सी इट ना आपको समझ जाएगा आ जाएगा ना वो एज अ टीचर इफेक्टिव है नहीं समझ जाएगा देयर कैन बी सम वेरी सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर एंड यू बिकम अ स्टूडेंट एंड इज अ वेरी बैड टीचर ना ना वो कुछ सिखा रहा है ना आपको सीख पा रहे हो hmm. फिर आप क्या करोगे तो आई एम सेइंग व्हेन यू इफ यू इफ यू वांट टू फाइंड अ टीचर यू नो लुक फॉर टीचेबिलिटी लुक फॉर द यू नो स्पेस ऑफ एक्सप्लेनेशन की एक यार आप बचपन से स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहे हो आपको अच्छे बुरे टीचर की पहचान तो होनी चाहिए ना um. तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आप कहते हो कि यार यार्सता है कोच बाई दैट इट माइट बी रॉन्ग और अगर हम इस टीचर से सीखेंगे क्योंकि इसका ट्रेडिंग का इतना प्रॉफिट है वेरी बैड टीचर बैलेंस है यार हर जगह ना आपको बहुत कुछ तो कैसे होगा ये ये होगा थिंकिंग फॉर योर आप सोचते हो अपने आप से आपकी ग्रुप थिंकिंग नहीं है आज के समाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ग्रुप थिंकिंग क्राउड बिहेवियर जो सारे कर रहे, है, वो वही वही रहे हैं वो अगर हवा चली ये बोलने की तो ये बोलेंगे हवा चली ये बोलने की तो ये बोलेंगे इंडिपेंडेंट थॉट अक्सर क्या होता है हमेशा से समाज में क्या होता है इंडिपेंडेंट थॉट्स वालों को रेबल बोला जाता है hmm. कि ये तो हर चीज का विरोध ऐसा नहीं है हर चीज का विरोध नहीं करते हैं बट इंडिपेंडेंट है और मोस्टली मासेज आर रॉन्ग तो इसलिए इंडिपेंडेंट थाट वाले रेबल हो जाते हैं hmm. तो वेन यू आर जैसे जैसे ट्रेडर्स की बाढ़ आई हुई है ऐसे टीचर्स की भी बाढ़ आई हुई है वॉट एवर यू नो वर्क फॉर यू आई एम से अच्छा देखो टेक्निकल एनालिसिस hmm? एक एकेडमिक सब्जेक्ट है एक इंसान है जो ट्रेडिंग में कहता हूँ करता ही नहीं है वो आपको टेक्निकल एनालिसिस पढ़ा रहा है hmm. अगर अच्छा पढ़ा रहा है तो पढ़, पढ़ लो यार hmm. तो पढ़ लो ना hmm. आपको पता है एक किताब है ट्रेडिंग इन अ जोन एक किताब है द डिसिप्लिन ट्रेडर दे आर बेस्ट सेलर्स द ऑथर मार्क डगलस ही इज नो मोर मार्क डगलस के जो सेमिनार्स होते थे ट्रेडिंग साइकोलॉजी <coughs> Wo, they were like, you know, $100,000 or, or $50,000 type seats, $10,000. Hmm? Mm. Revered by Wall Street. Mm. Matlab, best of the best traders. Mm. Taking coaching from Mark Douglas. Mm. A failed trader. Mm. Never made money. Lost money many times, lost his entire capital many times, never made money. डज इट मीन इफ ई हैज समिंग गुड टू से आई विल नॉट लिसन मेरा अगेन पॉइंट यह है यस ओके गुड ट्रेडर ठीक है एंड अ गुड टीचर ऑल्सो वेरी गुड इट्स वेरी गुड क्योंकि फिर क्या आपको वो अपने लाइव एक्सपीरियंसिस से भी आपको सिखा सकता है लाइव hmm. वर्किंग से दिखा सकता है करें प्रैक्टिकलिटी काफी बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी बट इफ यू आर लर्निंग फ्रॉम सम वन सीक टीचेबिलिटी तो you know? so, मैं आपको वही बता रहा था कि कंसेप्ट को बांटना सेग्रीगेट करना अपनी नॉलेज को वर्ड्स देना उसको टीचेबल बनाना कम्युनिकेबल बनाना इट्स इट्स अ जॉब करेक्ट एंड यू कैन ओनली डू देट आज टी आई सी को ऑलमोस्ट छ साल हो जाएंगे अब स्टूडेंट टर्न ओवर पांच छः हजार से भी ज्यादा हो चुका है hmm. और अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि पांच सौ छह सौ लोग हैं जो पांच साल से स्टक हैं वी मस्ट बी डूइंग समथिंग राइट करें, है ना hmm. और जो लोग शॉर्टकट ढूंढने आते हैं और निकल जाते हैं दैट्स ऑल्सो आर अचीवमेंट कि हाँ यार इसका मतलब हम अब भी सच्चे हैं hmm. हम उनको एंटाइस नहीं कर रहे हैं तो शुरू से ही ना ये ही रहता है कि कस्टमर मत मतमना आई एम नॉट अ वेंडर यू आर नॉट अ कस्टमर हमारी वो फिलोसफी नहीं रहेगी कि कस्टमर इज द किंग यू आर स्टूडेंट आई एम अ टीचर आई विल मेक योर लाइफ वेरी डिफिकल्ट करेट बिकॉज दैट माई जॉब तो अभी लाइफ रिवॉल्व अराउंड ट्रेडिंग एंड टीचिंग आई डू ट्रेडिंग ऑलमोस्ट एवरी डे तो जैसे मैंने आपको बताया कि आई एम अ डे ट्रेडर ठीक है वाई अगेन इस पर भी आ जाते हैं यह ट्रेडिंग ना मेरा अगेन यार मैं ना लाइफ को जीता हूं इनर कंपास से hmm. यह आपने अब तक समझा होगा मैं बाहर देख के नहीं जीना सीखता माय चॉइसेस, माय लाइक्स डिसलाइक्स, माय थॉट्स वॉट एवर फिट्स तो बचपन से ही थिंकर के साथ, हो, होने, साथ, साथ होने के साथ साथ रीडर होने के साथ साथ आई बिन वेरी फास्ट फास्ट मतलब जैसे अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ hmm? आपसे बात कर रहा हूं मेरे को ना अपने आसपास चलने वाली सारी गाड़ियों के नंबर जनरली पता होते हैं आई डोंट डू इट इट हैपन्स टू मी आई डोंट फॉरगेट नेम्स आई डोंट फॉरगेट फेसेस आज यार इतने स्टूडेंट्स में 2000 हजार स्टूडेंट्स में आई ऑलमोस्ट नो एवरीबडीज नेम बाई देर फेस मेरे साथ इस एटीट्यूड के साथ अच्छा फिर स्पीड भी तेज है क्योंकि थिंकिंग स्पीड तेज है इसलिए डूइंग स्पीड भी तेज है hmm. मेरे इस टेम्परामेंट के साथ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्कैल्पिंग बोलते हैं इसको डे ट्रेडिंग का भी एक सेगमेंट है विच इज वेरी फास्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग दस सेकंड का ट्रेड पंद्रह सेकंड का ट्रेड बीस सेकेंड का ट्रेड मेरे टेम्परामेंट के साथ इट गोस मैं अपने स्टूडेंट्स को यह समझाता हूं इसको इमिटेट नहीं करना है ये नहीं बनना है यू हैव टू बी योर ओन पर्सन यू नो वट एवर आई एम टीचिंग इज स्केलेबल वट एवर द कंसेप्ट आई एम टीचिंग द फ्रेमवर्क आई एम टीचिंग इज एप्लीकेबल टू स्केल्पिंग It's applicable to day trading. It's applicable to trading for 5 6 days. It's applicable to trading for months. It's applicable to very long term trading. If you are trading for, let's say, holding a trade for 5 6 months, you are playing for a bigger move with less capital. I am trading for 20 seconds. I am playing for a smaller move with more capital. Right? Long term trading may. ट्रेडिंग तो दोनों को चाहिए पूरी नॉलेज रिसर्च टेक्निकल तो दोनों को सिमिलर ही करना पड़ेगा उसके बाद आ जाता है खुद को जानना ये डे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग ऐसा नहीं है कि एक दिन ये बनना प्रोग्रेस है नहीं, नहीं? ये एक दिन नहीं है ये अलग है वो अलग है ये अलग है ये हाईएस्ट लेवल नहीं है लोग सोचते हैं कि यार स्कैल्पिंग इज द हाइस्ट लेवल कि you know, ये टॉप मोस्ट नहीं टॉप तो है नहीं ना कुछ बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं जो इतने इतने साल चीज रख के बैठे हैं वो कोई स्केल पर थोड़ी है तो कोई इसमें कोई आई गिव एग्जाम्पल है म्यूजिक थियोरी एक रॉक गिटारिस्ट ने भी सीखी और एक जैज गिटारिस्ट ने भी सीखी शुरू में एक दो तीन साल दोनों का जो पढ़ाई का आ, करिकुलम था वो सेम था देन दे फाउंड देरिश द ब्लूज गिटार गिटारिस्ट ही इज लाइक अ फील बेस्ड गिटारिस्ट एक एक नोट भी बचता है दो दो सेकेंड में अडर इज लाइक यू नो दे बोथ नो द सेम थिंग देन दे चोज टू बी डिफरेंट हाउ द चॉइस कम्स हू एम आई तो वैन यू टेक अ ट्रेड डे ट्रेड तो क्वांटिटी बड़ी है एक दिन में आपके सामने ऐसे मूव कर रहा है प्राइस भी आपका प्रॉफिट लॉस भी और आज ही बाहर निकलना है स्कैल्पिंग वाले केस में तो 25 सेकंड में बाहर निकल रहे हो एक मिनट में बाहर उस एक मिनट में आप उन सारे इमोशंस से गुजर रहे हो कौन कौन से इमोशंस बढ़ने पे खुशी घटने पे दुख होप फियर सारे इमोशन से गुजर रहे हो जिससे एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर छह महीने में गुजरता है राइट right? hmm. तो मैं यह कहता हूं अब आप यह पूछते हो कि यार हम दोनों ने एनालिसिस सीख लिया अब मैं कैसे डिसाइड करूं कि मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म काम करूं मीडियम टर्म काम करूं शॉर्ट टर्म काम करूं डे ट्रेडर तो मैं ये बोल रहा हूं कि नॉलेज इज टू बिकम अ लॉन्ग टर्म ट्रेडर नॉलेज एक्सपीरियंस ट्रायल एंड एरर टेम्परामेंट लिटल बिट ठीक है एनफ टू बिकम अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर अब दैट इज नॉट एनफ रिफ्लेक्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी इन रियल टाइम इमोशनल स्टेबिलिटी जो हाँ भी चाहिए hmm. मगर वहां टाइम है जैसे आज अगर आज का दिन नेगेटिव बंद हुआ आप तो नहीं बेच रहे ना आपका तो प्रव्यू जो है आपका जो व्यू है छह महीने का है hmm. आप होल्ड करके बैठे हो इट्स विद इन यूर थीसेस आपकी थीसेस खराब नहीं हुई है स्टॉप लॉस हेट नहीं हुआ है बट आज माइनस में हो ठीक है ठीक है यार अभी दुखी फील कर रहे हो शाम को बाहर जाओगे अच्छा फील करोगे अच्छा फ़ील करोगे डे ट्रेडिंग में ये वाले मौका कहाँ मिलेंगे hmm. तो दुखी फील करना बैड फील करना इससे बाहर निकलना पड़ेगा फील नहीं हो रहा है पे आना पड़ेगा किस पर आना पड़ेगा नंबर्स नंबर्स यहाँ तो हट जाऊँगा यहाँ आएगा तो हट जाऊँगा एक ट्रेड बहुत अच्छा हो गया सो वॉट नेक्स्ट इट बिकम्स क्लैरिकल यू नो वो कहते हैं ना रियल ट्रेडिंग इज बोरिंग इफ इट स्टिल एक्साइट्स यू देन यू आर स्टिल डूइंग समथिंग रॉन्ग इफ यू आर सीकिंग एड इन रश फ्रॉम ट्रेडिंग यू लूज इट तो ये है एंड इसलिए एक तो ये भी हो गया आपको अपने अपना थोड़ा एनालिसिस सीख लो ठीक है पीए टेक्निकल एनालिसिस सीख लो बट उसके बाद ये मैं सोचो कि डे ट्रेडिंग करनी है अच्छा अगर डे ट्रेडिंग करनी भी है पहले अ मीडियम टर्म ट्रेडर है ना जो कुछ वीक तक होल्ड करते हैं लोग उसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं मैं नहीं बोलता स्विंग ट्रेडिंग मेरा स्विंग ट्रेडिंग का परस्पेक्टिव टेक्निकल बेस्ड है लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग ट्रेड विच इज हेल्ड फॉर टू डेज थ्री डेज फाइव डेज इज अविंग ट्रेड यू प्लेट अविंग मैं ऐसा नहीं मानता आई आई डोंट फील स्विंग इज रिलेटेड टू टाइम थोड़ा टेक्निकल जा रहा हूं मैं तो लेट से एक अप ट्रेंड है वॉट इज एन अप्रेंड एन अप्रेंड इज अज ऑफ हायर हाईज एंड हायर लोज राइट An uptrend is not this. An uptrend is... High, low, high, this. low. Mm. But every low is higher than the previous low. Okay. Every mm. high is higher than the previous high. Mm. Correct? Mm. So you are going up, you make a high. Then you come down, make a low. Then you go high, which mm. is higher than previous high. Mm. Then you come down, but it is still higher than previous low. previous low. So a series of higher highs and higher lows is uptrend. In this series, mein, when you play a swing... Mm. A swing means... स्ट्रेट स्विंग ठीक है hmm. एक लो से एक हाई तक का स्विंग और अ पोर्शन ऑफ दैट स्विंग मेरे नजर में वो स्विंग ट्रेड है एनी वे अभी हम टेक्निकल क्लास नहीं ले रहे हैं तो पहले आप कुछ दिनों वाली कुछ महीनों वाली महीने में नहीं चलो हफ्तों वाली ट्रेडिंग करो सीखने के बाद अगेन यू नो आज की डेट में मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो छे सात छः सात भी ज्यादा हो गया चार पांच महीने में दे स्टार्ट टेकिंग देयर बेबी ट्रेड hmm. अच्छा ऐसे स्टूडेंट भी हैं कि बंदा आता है वो कहता है मैं पंद्रह साल से ट्रेड कर रहा हूँ अच्छा ठीक hmm. है बट स्ट्रक्चर नहीं है दिमाग में दैट्स द टफेस्ट स्टूडेंट टू हैंडल ये वो घड़ा बन चुका है बहुत काम होता है दोस्त hmm. अनलर्निंग पे अनलर्निंग ना इज ईजियर सेट डन डन मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं स्नूकर खेलता हूँ ठीक है तो विथ प्रैक्टिस विथ टाइम आई बिकेम गुड एट इट अब क्या इशू हो गया पता है अब मैंने उसको थेरेटिकली सीखना भी शुरू किया बुक्स वीडियोस और मुझे ये फिगर आउट हुआ अब कि मेरी जो राइट हैंड ग्रिप है वो गलत है <laughs> आप समझ रहे हो हाउ मच इट वुड टेक टू अनलर्न पता है क्यों द डे आई विल चेंज इट टू करेक्ट माय परफॉर्मेंस विल ड्रॉप एंड व्हेन माय परफॉर्मेंस विल ड्रॉप आई विल स्टार्ट लूजिंग मैचेस व्हेन आई विल स्टार्ट लूजिंग मैचेस द फर्स्ट मोटिवेशन विल बी अरे छोड़ यार गलत ही खेल रहे थे सही था करेक्ट है या नहीं है मगर उस गलत खेलने में क्या जीतो रहे हैं लिमिटेशन आ जाएगी एक दिन लिमिटेशन है कि आप हर तरह के शॉट नहीं खेल पाओगे है ना आप और ऊंचा नहीं जा पाओगे सही तरीके से आगे बढ़ोगे तो एंडलेस है तो वो जो पीरियड ऑफ नॉन परफॉर्मेंस है आफ्टर बीइंग अ परफॉर्मर इट इज सो डिफिकल्ट तो स्टूडेंट है जो 10-15 साल से ट्रेड कर रहा है एंड स्ट्रक्चर्ड मैथड पर ठीक वो मैथड सीखना शुरू करता है शुरू में तो उसको मिल लगता है अरे यार ये सब कुछ आता ही है hmm. तो उसको ये समझाना कि छोड़ दे इसको hmm. आता ही है तो ठीक है ना कोई बात नहीं अभी वो भी आएगा जो नहीं आता है अब नए मेथड्स आने शुरू हुए एंड ही स्टार्ट ट्रेडिंग विद डैट एंड ही स्टार्टड लूजिंग क्या था आएगा यार क्यों सीख रहा हूं hmm. मैं तो इसके बिना ही अच्छा कर रहा था hmm. ये मैं आपको ट्रेजेक्टरी बता रहा हूं इफ ही स्टिक्स वो पीरियड ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ले लिया <coughs> और नए मेथड से एकस्टम हुए और दोबारा शुरू कर रहे हैं तो बाय द टाइम ही बिकम टू न्यू हीथड एंड फाइंड सक्सेस दैट सक्सेस विल बी बिगर देन द प्रीवियस सक्सेस कितना ज्यादा सेल्फ वर्क इन्वॉल्व है hmm. तो ये जो रियल इन्फ्लुएंसर ये बोलते ये बताते हैं क्या ये सब नहीं बताते वो hmm. तो बताते हैं कि कोई भी कर लेगा hmm. है ही क्या इसमें अपने साथ लड़ाई है यू वर्सेस यू है <laughs> तो मैं ये बोलता हूं कि आपने कंसेप्ट सीख लिए चार पांच महीने में मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ जो रोज भी ट्रेड रेगुलर कर रहे हैं ना सालों से मैं उनको बोलता हूँ यार मैं तो मार्केट्स डिस्कस नहीं करूंगा अगले चार महीने तक hmm. या पांच महीने तक ठीक hmm. है ना तो बोरिंग हो जाएगा तुम्हारे लिए समझ आता है तो ठीक है नहीं आता छोड़ देना छह महीने बाद चार पांच महीने तक हम नॉन मार्केट बात करेंगे मतलब कंसेप्ट की बात करेंगे आगे भी कंसेप्ट चलेंगे बट फिर मार्केट आ जाएगी बीच में उसके बाद देर कम से टाइम जहां मुझे लगता है कि हाँ यार मेरे पास बताने को इतना है मैं इनको इतना बता चुका हूं दे आर ट्रेड रेडी यस मेंटल मॉडल्स कम है अभी फ्रेमवर्क कम है बट जितना है तो उसी तरह के ट्रेड करो यू कान ट्रेड टेन टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स तो मैंने आपको एक शॉट सिखा दिया खेलना उसकी प्रैक्टिस करते रहो बट अब वहां क्या है सिलेक्शन वो वाली बॉल की वेट तो करते रहनी है mm. वो वाला शॉट हर बॉल पे तो लगेगा नहीं mm. भाई लेट से आपने 20 साल क्रिकेट 10 साल क्रिकेट खेल लिया पांच साल खेल लिया अब आपको सारे शॉट्स आते हैं हर तरह के शॉट आते हैं नाउ यू नो हाउ टू हैंडल एवरी टाइप ऑफ बॉल यू नो विच बॉल टू लीव करेक्ट बट अभी आपको एक ही शॉट सिखाया है इट बिकम्स डिफिकल्ट क्योंकि यू हैव टू लीव मोस्ट ऑफ द बॉल्स सिर्फ उसी शॉट वाली बॉल खेलनी है देन यू लर्न अ न्यू शॉट देन अ अ न्यू न्यू देन यू अल्डअप अब हो गए आपको दो साल डेढ़ दो साल हो गए यू हैव ट्रेडी मच एवरी मेंटल मॉडल यू कैन हैव तो मैं आपको तो भी ये बोलता हूं होंगे रिफ्लेक्सेस मान लिया बट ना पहले अपने आप को प्रूव कर लो कि मैं कंसिस्टेंट हूं बाया, बाया सम टर्म फ्यू वीक्स फ्यू डेज काइंड ऑफ ट्रेड्स इफ इट्स वर्किंग व बिकम हेबिचुअल ऑफ इमोशनल ट्रिबुलेंस ठीक है ना अब hmm. डे ट्रेडिंग में कदम रखने की कोशिश करो और हो गया उल्टा आज की डेट में पहले बच्चा ज्वाइन करता है सीधा ही डे ट्रेडिंग hmm. सीधा ही ऑप्शन विच इज द मोस्ट वॉलेटाइल थिंग टू डू कोशिश करो hmm. अब कोशिश की अब यहां दो चीजें होंगी या तो ही विल फाइंड हिज कॉलिंग देयर

मगर अगर आपको वहां समझ आ गया हाँ डे ट्रेडिंग में कर पाता हूँ मुझे अच्छा लगता है एग्जॉस्ट नहीं करता एंड आई किक की बात नहीं है किक लेने ले के लिए नहीं करना है बट हाँ यार मेरी जो पर्सनैलिटी है ऐसे फिट बनती है तो कर लो hmm. तो यहां पर ना मेरी स्टेटमेंट यह है कि यू कैन बी अ ट्रेडिंग बिगिनर ठीक है बट यू कैन नॉट बी अ डे ट्रेडिंग बिगिनर वट आई मीन टू इफ यू आर अ बिगिनर डे ट्रेडिंग इज नॉट फॉर यू ट्रेडिंग बिगनर तो हो गए कभी ना कभी हाँ। मगर जब आप ट्रेडिंग एक दो साल से सीख रहे हो और आप करनी शुरू कर दी है अब डे ट्रेडिंग स्टार्ट करो तो डे ट्रेडिंग बिगनर नहीं हो आप आप स्टार्ट करोगे आपको पता लग जाएगा यार इतने स्टूडेंट्स हैं मेरे पास ऐसे जिन जो मुझे कहते हैं कि सर आई एम कॉन्टिन्यूसली लूजिंग मनी बताओ मैं क्या करूं मैं तो ये भी कर लिया भी कर लिया एंड आई नो नॉलेज का इशू है ही नहीं नॉलेज का इशू है ही नहीं जितना आपका टाइम फ्रेम ट्रेडिंग का शॉर्ट होता जाएगा ना नॉट डायरेक्शन इज नॉट यू ओनली इशू इफ आई एम इन द ट्रेड फॉर फाइव मंथ्स और टू वीक्स और थ्री वीक्स और फाइव ईयर्स अ जनरल आइडिया ऑफ डायरेक्शन दिस थिंग गो अप इज एनफ इफ यू आर ट्रेडिंग फॉर टेन मिनट्स इज डायरेक्शन सेंस एनफ नो टाइमिंग

दूसरे घंटे में इट स्टार्टेड करेक्टिंग यू थॉट दिस इज दुनिटी यू एंटर तीसरे घंटे में इट करेक्टेड मोर चौथे घंटे में इट करेक्टेड मोर यू गॉट आउट इन लॉस। पांचवे घंटे में सो यू वर राइट बट रॉन्ग टाइमिंग तो जब आप शॉर्ट टर्म आते हो ना जितना आते हो उतना आपको टाइमिंग पर काम करने की बहुत नीड पड़ जाती है मतलब और कंसेप्ट hmm. मतलब और अम, रिफ्लेक्सेस आधे से ज्यादा कंसेप्ट तो आप मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट्स को एल एच एस करो एल एच एस मतलब लेफ्ट हैंड साइड मतलब चार्ट विच इज है उसको देख के समझो है ना यार मतलब बहुत कुछ हो चुका है ना और कुछ नया तो हो नहीं जाएगा जो भी होना है चार्ट में आगे किसी भी चीज में वो सब पहले तो हो ही चुका है किसी ना किसी चीज में तो यू हैव टू स्पेंड बिगनर्स के लिए काउंटलेस आवर्स जस्ट शिफ्ट यू नो शफलिंग थ्रू चार्ट पीछे के पास के अभी उसमें मत घुसो यहां पैसा लगा दू ऊपर जाएगा ना, ना ना पीछे देखो सोचो कि यार ये हो रहा था मैं यहां होता तो मैं क्या सोचता कि अब यह क्या करेगा क्या इसने ऐसा किया ये वर्क इन्वॉल्व है आर यू रेडी टू डू इट ये आइडिया तो उन स्टूडेंट्स को जिनको नॉलेज का इशू नहीं है दे आर स्टिल लूजिंग मनी मैं ये बोलता हूं वहां पर काम करो अपना टाइम फ्रेम बढ़ा लो सडनली बिकम सक्सेसफुल ट्वीट चाहिए था एक इट्स वेरी टफ टू डायरेक्टली कि अभी तो आता ही नहीं है कुछ और पहले ही उस लेवल पर घुस गए गेम, गेम में जहां स्पीड चाहिए भाई साहब पहले तो आपको क्लैरिटी की नीड है ना गिटार बजाना सीख रहा हूं अगर पहले दिन ही स्पीड पर काम करने लग जाऊंगा तो एक भी नोट क्लियर नहीं होगा पहले किस पे काम करना है क्लैरिटी पे टन 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 है ना कि मेरी फिंगर तो करेक्ट लगे कि जो फिंगर यहाँ पर आती है वो ये फिंगर वहीं उसी स्ट्रिंग को बजाती है एक एक नोट अब मेरा क्लियर साउंड करता है नाउ आई कैन स्टार्ट प्लेइंग स्लो देन आई कैन स्टार्ट प्लेइंग सॉन्ग्स है ना पहले दिन से स्पीड के पीछे भागूंगा मगर हो यही रहा है नाउ आई कैन रिलेट टू द स्टार्ट जहां पे हमने ये बोला था कि हर कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है देर इज़ अ ग्रे विच यू नीड टू आइडेंटिफाई एंड यू और ग्रे वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है hmm. थोड़ा सा अब ये सीरियस और ये सारे डिस्कशन से बाहर निकल के <laughs> थोड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कस करते हैं कि मतलब ये भी इंटरेस्टिंग था नॉट टू से इट अन इंटरेस्टिंग बट आज जो आपने स्टार्टिंग में बात करी थी कि मैं जब प्रोफेशन स्टार्ट कर रहा hmm. था तो मेरे को ये चाहिए था कि मैं अपने साथ रहूँ टाइम स्पेंड करूँ इंडिपेंडेंस हो मेरे को अपने तो वो लिए तो पहले भी थी। अपने लिए

मेरे लिए वो मोटिवेशन भी नहीं थी कि आई बैडली नीड मनी ये ये एक भी ये स्टेटमेंट है कि यू नो इफ यू बैडली नीड मनी यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट क्योंकि यू विल टेक डेस्परेट डिसीजन है ना बोलता है इफ यू बैडली वांट टू मेक अ डील यू विल मेक अ बैड डील तो कोई भी काम लाइफ में होता तो आराम से है स्पेस देके होता है सीखने का स्पेस तो दो खुद को hmm. अब बात क्या है यार दो महीने बाद मुझे जॉब जो छोड़नी है इसलिए मुझे दो महीने में ट्रेडिंग इंडिपेंडेंट ऐसे ही थोड़ी होता है hmm. लोग ये कर रहे हैं hmm. तो मुझे लगता है ट्रेडिंग सीखने का ना जो कंडिव एनवायरमेंट है ना मोस्ट वो है इफ यू हैव मनी कमिंग इन फ्रॉम योर जॉब और बिजनेस और वो जो दो तीन साल मैंने आपको बोला ना इनिशियली सीखने वाले hmm. वो ना जॉब छोड़ के मत करो यार hmm. अब समझ रहे हो नहीं तो इतना डेस्परेट हो जाओगे ना नहीं इट मेक सेंस हाँ अगेन ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सुनने की आदत नहीं है लोगों को hmm. हम्म आदत नहीं है तो जब मैं ट्रेडिंग में आया तो मेरे को इंडिपेंडेंस वाज नॉट न्यू फॉर मी बीइंग माय बीइंग द ओनर ऑफ माय टाइम वाज नॉट न्यू फॉर मी व्हाट्स व्हाट्स न्यू फॉर मी वाज द इंटेलेक्चुअल किक आई वाज परसुइंग यू नो माय चाइल्डहुड कि रात को चार घंटे बैठ के सर्वर mm. बेचने में वो नहीं करना पड़ता यार mm. तो फिर मुझे फाइंड करना पड़ता था ना वो शोनोग्राफी करेक्ट mm. <laughs> <Correct. laughs> समझे माय टॉपिक्स टू रीड टू स्टडी क्योंकि कितना ही पढ़ लूंगा सर्वर के बारे में पढ़ लिया यार हो गया ना mm. अब तो बिकी रहे हैं mm. कितना पढ़ लेंगे पास पास के बारे में या आ, पल्स के बारे में hmm. या परफ्यूम्स के बारे में पढ़ लिया hmm. जब मेरे को नया नया परफ्यूम लगाने का शौक हुआ ना hmm. तो रिसर्चर uh, hmm. ऐसा नहीं हुआ मेरे लाइफ में कि मैं परफ्यूम लिया और पैसे आ गए तो परफ्यूम ना माय फर्स्ट एवर परफ्यूम वाज मतलब परफ्यूम वर्थ मेंशनिंग आई एम टॉकिंग बैक इन टू थाउजेंड ट

मुझे एक टाइम पे लगा ये मेरी कॉलिंग मैं पॉडकास्ट <laughs> 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 मत करने लगना अरे वो भी करते हो तो <laughs> so, ट्रेडिंग के आने से क्या हुआ कि मुझे ना ऐसे पेरीफेरल टॉपिक्स ढूंढने की नींद खत्म हो गई नाउ इंटरेस्टिंग प्रोफेशनली आई गॉट एनफू इसी में, में वो प्लेंग? सारा सब कुछ कवर हो रहा है हाँ. जो आपको चाहिए। और ये इतना बड़ा प्ले है ना hmm. कि यू विल नेवर नो एवरीथिंग तो लाइफ इज सेट और अब आप टीचिंग भी करने लग गए तो वो तो पार्ट भी वो पार्ट भी हो, हो गया सेल्फ एनालिसिस आ गया अच्छा एक टीचिंग का ना एक और बात बात बोलता हूँ मेरे को आई टोल्ड यू हाउ टीचिंग इज एक्चुअली अगेन अ परसूट ऑफ सेल्फ इवेल्यूशन ओनली कोई नया बैच आया मान लो 2025 में मैं उसको जो पढ़ा रहा हूँ अब ए बी से शुरू करेंगे वो मैं 2019 से हर बैच को पढ़ा चुका हूँ आप समझ रहे हो होनीस वाला जो स्टूडेंट था उसने वो इतनी बार नहीं पढ़ा जितनी बार मैंने पढ़ दिया पॉइंट तो आपको लगता है यार कि मेरे पास उस चीज को एक्सप्लेन करने के इतने सारे मेथड्स कैसे आ गए हैं क्योंकि मुझे हर साल वही चीज पढ़ानी पड़ रही है तो मैं खुद पढ़ रहा हूं पहले अच्छा मुझे तो ये याद भी नहीं कि मैंने चार साल पहले एक ऑडियो किया था मैंने क्या बोला था ऑडियो में तो क्या करना है पहले सुनना है वो चार साल पहले के मैंने रिकॉर्ड किया था अब जब उसको आज सुन रहा हूं तो मेरे पास उसमें करने के लिए करेक्शन है तो hmm. ना नेवर एंडिंग hmm. है hmm. ऐसा करते करते जितनी बार मैं रिवीजन कर चुका हूँ अपने ही कंसेप्ट का hmm. अपने ही कंटेंट का hmm. मुझे लगता है कोई स्टूडेंट इतनी बार कर ले hmm. तो भवसागर पार हो जाए करेक्ट है ना करे इतनी बार अगर उसका रिवीजन हो जाए hmm. बट वो नहीं करता है एबिलिटी टू टीच सिंपल थिंग और अ कॉम्प्लेक्स थिंग इन अ स्टोरी फॉर्मेट इन अ सिंपलर वे यूजिंग टनस ऑफ एग्जाम्पल्स एनालॉजीज टी में आप किसी से पूछोगे कि यार निशान सर का टीचिंग स्टाइल क्या है वो आपको एक ही वर्ड बोलेगा सर मास्टर ऑफ एनालॉजी एनालॉजीज वो कहाँ से आए हैं वो वहाँ से आए हैं कि मैं एक ही कंसेप्ट को ना बीस बार पढ़ चुका हूं अलग अलग मूड्स में अलग अलग मौसमों में कभी सोते हुए कभी फ्रेश मूड में कभी ऐसे ही सुन रहा हूं अपना ऑडियो वेकिंग अशार तो आप समझ रहे हो एवरी टाइम इट इज वो क्यों बोलते हैं कि रामायण को बार बार पढ़ रहे हैं गीता को बार बार पढ़ रहे हैं तो हर बार पढ़ने से अलग समझ आता है वो क्या मैन नेवर क्रॉसेज अ रिवर यू नो जितनी बार वो रिवर को क्रॉस करेगा अ मैन नेवर क्रॉसिज रिवर ट्वाइस विच मीन्स इवन इफ ई क्रॉसेज द सेम रिवर बट ही इज नॉट द सेम मैन मैंने आज कुछ पढ़ा दो साल बाद दोबारा पढ़ा चीज़ वही होगी मैं तो वो नहीं हूँ मैं सेम नहीं हूँ तो वो चीज़ भी बदल जाएगी hmm. परस्पेक्टिव बदल जाएगा तो ये जो आ गया ना प्रसूट तो आई थिंक मेरे को ना वो मिल गया एक कि जो चाहिए मेरे को कम्प्लीटनेस हो गई तो ये है लाइफ मतलब मेरे लिए तो लाइफ एक मुझे सोचना अच्छा लगता है मुझे सोच को विटनेस करना अच्छा लगता है मुझे उसको बांटना डेफिनेशंस बनाना अच्छा लगता है आई एम फिलोसो तो आ, निशान सर आ, मेरा एक क्वेश्चन अब आपसे है और ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आपने अपने प्रोफेशन के थ्रू डिसेंट मनी भी जनरेट करी है आपने वो मनी से जो टाइम इंडिपेंडेंस मिलती है इंसान को डेफिनेटली मिलती है जब उसके पास पैसे होते हैं तो वो टाइम खरीद सकता है किसी का भी और उस टाइम को खरीद के जो वो चाहे वो कर सकता है मेन फोकस उस पर रख सकता है मनी के बाद आता है फेम जहाँ पे हम लोगों से बात कर रहे हैं लोग हमारी चीज़ें सुन रहे हैं समझ रहे हैं हमारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और फेम एक लूप है कि जै जितने ज़्यादा लोग आपकी बात सुन रहे हैं समझ रहे हैं आप उतने ज़्यादा लोगों को सुन रहे हैं, समझा रहे हो अपनी बात और ऐसे करते करते एक टाइम आता है जब इंसान को लगता है कि यार अब मुझे ये अचीव करना है कि मुझे इस फेम में घुसना है हाउ डू यू ब्रेक इट डाउन इन योर स्टाइल क्योंकि आपकी भी एक कम्यूनिटी है आज की डेट में आप एक कम्युनिटी रन करते हो आपके थाउजेंड ऑफ लर्नर्स हैं मैंने आपके सेमिनार्स भी देखे हैं hmm. जहाँ पे लोग लिटरली आके आपके पैर छूते हैं आपसे बड़ी एज के हैं आपको रेस्पेक्ट करते हैं तो ग्रेटिट्यूड बहुत ही ज़्यादा है मतलब वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रेटिट्यूड है हाउ डू यू ब्रेक इट डाउन इन योर लाइफ एंड इफ़ यू आर गिवन अ चांस कि अब आप फेम या तो फेम को सेलेक्ट करो या मनी को वट वुड यू सिलेक्ट इन योर लाइफ मनी तो देखो है ही चाहिए ना मुझे लगता है फेम इज द रॉन्ग वर्ड हेयर मेकिंग डिफरेंस इन समबडीज लाइफ शुड बी द की पॉइंट इफ मी मेकिंग डिफरेंस इन समबडीज लाइफ इज मेकिंग मी फेमस देन इट इज वर्थ इट इफ डू आज की दुनिया में फेमस क्या है यार फेमस hmm. होना क्या है बताओ आप वीडियो गेम खेलने लग जाओ गाली देते हुए हो जाओगे फेमस hmm. सही कह रहा हूँ ना मैं hmm. देखा है ना सबने या मैं एक काम करता हूँ मैं अपनी ट्रेडिंग की लाइव स्ट्रीम शुरू करता हूँ hmm. कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ सुबह और मैं साथ में कमेंट्री दे रहा हूँ hmm. फुल ऑफ एब्यूस hmm. जैसे देसी भाषा में बात करते हैं लोग hmm. तो ये दुनिया भर के लॉन्डे जो हैं ये हो जाएंगे अट्रैक्ट क्यार, क्यार, यार। hmm. कि यार क्या कूल बंदा यार क्योंकि कुछ भी बोलो टीवी पे गाली सुनना या स्क्रीन पे गाली सुनना अच्छा लगता है वैलिडेशन <laughs> मिलती है हाँ, अरे ये मेरे जैसा है। क्यों हिट होती है, ये hmm. ये बिहार वाली होती है hmm. क्यों हिट होती हैं वैलिडेशन मिलता है ना hmm. कि एक गलत नहीं है इसका मतलब फेमस hmm. होना बड़ी बात नहीं है अगर ये आप करने लग जाओगे आप देखोगे कि मिलियंस फॉलोअर्स पहुंच जाओगे आप क्वेश्चन इज इसट आज आपने बोला सेमिनार देखे आपने मैं अपनी बेटी को अपने सेमिनार में ले जा जा सकता हूं हा? मैं अपनी मम्मी को ले जा सकता हूं वो वाली फेम हो, अगर होती फेम तो होती क्या मैं अपनी मम्मी को अपना वीडियो भी दिखा पाता नहीं ये कैसी फेम हुई जहां पर मैं ये सोच के डर रहा हूं कि कहीं मेरे घर वाले मेरा वीडियो ना देख लें है या नहीं है तो मेरा आइडिया ये है कि मनी तो है ही है मनी इज अ कांस्टेंट राइट यू यू आर गोइंग टू नीड मनी बिकॉज लिविंग लाइफ कॉस्ट मनी है ना यू हैव टू पे बिल्स बट फेम मुझे लगता है कि हो ना हो नॉट द क्वेश्चन हो तो किसी की लाइफ को पॉजिटिवली इंपैक्ट करने से हो दिस इज व्हाट आई फील एंड ये सब करने में ना आपको मजा भी आना चाहिए करेक्ट अगेन नाउ डोंट डू इट जस्ट बिकॉज ये कहा गया है ऐसा नहीं है मुझे ये लगता है यार वेन यू आर ऑन योर डेथ बेड यस डेफिनेटली यू वॉन्ट बी कंसर्न अबाउट हाउ मच मनी यू मेड बट दैट देट रिड्यूस द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी यू आर वाइल इस चीज को ना लोग यहां सेंटेंस को काट देते हैं लोग क्या करते हैं जब अपने डेथ बेड पे हो गए तो क्या वो ये याद थोड़ी रहेगा कितने पैसे हाँ नहीं रहेगा बट जब तक डेथ बेड पे नहीं आए थे तब तक तो करना पड़ा ना <laughs> तो ये सेंटेंस फुल तो ये है <laughs> और मुझे लगता है तब अपने डेथ बेड पर ना ये भी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा कितने लोगों लोग मुझे जानते थे या मेरी इज्जत से मेरा नाम लेते थे अल्टीमेटली मुझे लगता है व्हाट्स गोइंग टू मैटर इज डिड आई एन्जॉय और नॉट है ना डिड आई एन्जॉय मनी भी ट्रांजियंट है फेम भी ट्रांजियंट है तो मेरे को कोई वो तो कंसेप्ट है नहीं और मैं यार, यार सच बताऊं आपको क्योंकि सेल्फ एनालिसिस है ना मैं अपने आप को डिटैच करने की कोशिश करता हूं फेम को मैं इसको मैं फेम नहीं मानता मैं इफ समबडी इज एक्नोलॉजिंग मी रिस्पेक्टिंग मी फेम नहीं है आई थिंक इट्स इट्स अ गुरु शिष्य रिलेशनशिप यू नो दिस इज हाउ आई लाइक टू थिंक अबाउट इट एंड आई आई ऑल्सो कीप माई सेल्फ रेडी इफ इट्स नॉट देयर स्टार्स मूवी स्टार्स They become drunks right when they don't have that level of stardom anymore you have seen you know rajesh khanna right the superstar lived a life of you know how. Mm -hmm. तो न, ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस की जो है वो हो सकते हैं हमेशा ना रहे एंड मुझे मजा आना चाहिए और मेरी फेम सही कारणों से है लोग ये मुझे देख के यार ये सोचते हैं कि हाँ इसने हमारी लाइफ में impact किया तो फेम वर्सेस मनी मेरे लिए मेरे हिसाब से कोई ही नहीं है मनी हाँ चाहिए फेम बाय प्रोडक्ट है ऑफ हेल्पिंग पीपल करेक्ट दिस इज वॉट इट इज निशांत सर एने निशांत भैया थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट आई थिंक हमने काफी लंबा डिस्कशन किया और स्टिल अभी भी माइंड में दस बीस मुझे लंबा और, नहीं लगने मुझे लग रहा है कि हाँ, तो, मेरे को भी अभी <laughs> ब्रेक लिया तो पता चला कि दो घंटे का पॉडकास्ट हो गया बट बहुत मजा आया और दस बीस क्वेश्चन ऐसे और हैं जो मैं पूछना चाहता हूँ बट आई थिंक एक और पॉडकास्ट करते Definitely. हैं डेफिनेटली और उस पॉडकास्ट में शायद मैं भी बेहतर अंडरस्टैंडिंग से आऊँगा क्योंकि इम्प्रूवड वर्जन होगा huh. और आपके पास भी एक इम्प्रूवड इंस्टेंसेज होंगे शेयर करने के लिए एंड विल डू अना राउंड ऑफ दिस बट थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस थैंक यू